वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माई डियर फ्रेंड्स. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. बैठिए प्लीज. गुड. हाँ जी प्लीज, पेज नंबर निकालिए. पेज नंबर कितना था हमारा? आई थिंक 87 है ना. और क्वेश्चन नंबर 7 हो गया था कि चल रहा था? क्वेश्चन नंबर 7 हो गया था कि चल रहा था? पेज नंबर 87 ऐसे होनी चाहिए, कड़क आवाज, ताकि कोई सो रहा हो तो उठ जाए. पेज नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 7. हाँ जी, ये हो गया था कि हम कर रहे थे? हो गया था या कर रहे थे? हो गया था कि रह गया था? जोर से बताओ, हो गया था कि रह गया था? हो गया था कि रह गया था? क्वेश्चन नंबर 7 हो गया था हमारा कल? चलो ठीक है, एक बार और रीड कर लो, किसी को डाउट है तो. कोई जल्दी नहीं, एक बार और रीड कर लो. चलो जल्दी से रीड करके देख लो. क्वेश्चन नंबर 7 में क्या था? मैं मंथली रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, मंथली, अप्रैल, मई, जून, हर महीने रिटर्न फाइल कर रहा हूँ. अगले क्वार्टर से मैं चाहता हूँ क्वार्टरली फाइल कर दूँ, तो ऑप्शन जो देनी है कब से कब तक? फर्स्ट मई से लेकर कब तक? 31 जुलाई तक. हाउ टू चेंज द ऑप्शन, ये इस क्वेश्चन में दिया हुआ है. पहले तो सब मंथली रिटर्न ही फाइल करते थे, क्वार्टरली थी नहीं, तो बीच में क्वार्टरली आया था. जब बीच में क्वार्टरली आया तो उन्होंने कहा आप ऑप्शन कैसे लेंगे, आप जिस क्वार्टर में हर महीने रिटर्न फाइल करते आ रहे हो, आप ऑप्शन लेना अगले क्वार्टर से लेना. और टाइम क्या रहेगा? जो क्वार्टर चल रहा है उसके सेकंड मंथ का फर्स्ट डे, और जिस क्वार्टर में क्वार्टरली आना है उसके पहले मंथ का लास्ट डे, इस पीरियड में आप ऑप्शन दे दो. अगर उल्टा करना हो तो क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहा हूँ मैं, मंथली करना चाह रहा हूँ, तो जिस क्वार्टर में तो क्वार्टरली फाइल करें तो वही रहेगा, अगले क्वार्टर के पहले मंथ से मंथली फाइल कर सकते हो. और जब आप ऑप्शन लोगे चेक कर लेना, पुरानी सारी रिटर्न भरी हुई होनी चाहिए. बस ये था, एक बार और रीड कर लो. ठीक है, आप चलें अगले क्वेश्चन पे, आ जाइए पेज नंबर 88 पर. क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 39(9) ऑफ द सीजी एक्ट 17 रिलेटिंग टू रेक्टिफिकेशन एरर ओमिशन जीएसटी रिटर्न ऑलरेडी फाइल्ड एंड आल्सो स्टेट इट्स एक्सेप्शन स्टेट द टाइम लिमिट फॉर मेकिंग सच रेक्टिफिकेशन 39(9) सब्जेक्ट टू दिस 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 दिस. देखिए इसका मतलब क्या है, आप मुझे बताइए. जीएसटीआर 1 में गलती होगी मुझसे, उसको मुझे ठीक करना है, तो क्या अभी आउट है? उसके कुछ कॉलम्स थे, उन कॉलम में रिपोर्ट कर दो. क्या नंबर था कॉलम का? 9, 10, 11 ब्रैकेट 2, 11, 2. ठीक है, 11(1) में तो एडवांस लिए और एडजस्ट किए, 11(2). अब इससे गलती जीएसटीआर 3B में हो गई, उसका भी वही सिस्टम है, उसमें हो, इसमें हो. इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम ये आ रही है, पहले जीएसटीआर थी 3 को ख़त्म करके आया 3B. जब तो 3 थी तो इसमें भी 12-13 टेबल थी जीएसटीआर 1 की तरह, और गलती होगी ठीक करने के लिए अलग से टेबल थी, उसमें ठीक कर लो. अब ये ख़त्म करके ये आई, इसमें कॉलम ही 3 है, सिर्फ ये बता दो आउटपुट, ये बता दो ITC और ये बता दो नेट. वो जो रेक्टिफिकेशन के थे कॉलम जो थे वो गायब कर दिए, इसमें है ही नहीं. तो ये क्वेश्चन ये है कि अगर इसमें गलती हो जाए तो कैसे ठीक करेंगे, तो इसमें लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट इसका तरीका बताएगी. जो 2 साल पहले लिखा था गवर्नमेंट ने कि बताएगी, वो गवर्नमेंट ने बताया नहीं, कि गवर्नमेंट को समझ में नहीं आया कि बताएं कैसे. दूसरी बात, इसमें गलती का स्कोप ही नहीं है, 3 ही बातें तो लिखनी है. जीएसटीआर 1 में आउटपुट एस्टेबिलिटी है, कॉपी पेस्ट. इनपुट एस्टेडिट क्रेडिट लेजर में है, कॉपी पेस्ट. डिफरेंस का पेमेंट कर दो, तो आप पढ़ के देखो एक बार क्या लिखा है, फिर डिस्कस करते हैं. मैं रीड कर रहा हूँ. 39(9) में अगर 3B में गलती हो जाए तो क्या करना है? सब्जेक्ट रूल सेक्शन 37 एंड 38, इफ एनी रजिस्टर्ड पर्सन आफ्टर फिनिशिंग 3B डिस्कवर्स एनी ओमिशन इनकरेक्ट पर्टिकुलर देर इन अदर देन एजिलेटिव स्कूटनी ऑडिट इंस्पेक्शन,
लेकिन अगर आपने गलती अपने आप पकड़ी है तो ठीक करने का स्कोप होता है। अगर गलती डिपार्टमेंट ने पकड़ लिया है फिर तो पनिशमेंट मिलेगी। पकड़े जाने में कोई कहे मैं ठीक कर दूँ, पकड़े जाने में ठीक नहीं करने देंगे, फिर तो पनिशमेंट देंगे हम आपको। ही शैल रेक्टिफाई सच ओमिशन और इनकरेक्ट पर्टिकुलर इन सच फॉर्म एंड मैनर एज बी प्रिस्क्राइब। अंडरलाइन कर लो, इन सच फॉर्म एंड मैनर एज बी प्रिस्क्राइब, मतलब ये कोई मैनर अभी प्रिस्क्राइब गवर्नमेंट ने की नहीं है। जब भी लिखा होता है ना एज बी प्रिस्क्राइब, मतलब कोई रूल इसका बनेगा, तो लेकिन अभी रूल बना नहीं है। तो आप ऐसे एग्जाम में लिखना इन सच फॉर्म एंड मैनर एज बी प्रिस्क्राइब। और जो गलती आपने अपने आप पकड़ी है उसमें कोई इंटरेस्ट बनता है तो देना पड़ेगा, टैक्स है तो देना पड़ेगा। सब्जेक्ट टू इंटरेस्ट अंडर दिस एक्ट। अब पुरानी GSTR में क्या था ये लिखा हुआ है, अर्लियर इन GSTR 3 देर वर टेबल्स फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इन द अर्लियर रिटर्न जस्ट लाइक GSTR 1, बट नाउ देर इज नो सच टेबल GSTR 3 भी। हैंस रूल्स विल बी फ्रेम्ड। अब कब फ्रेम हो गए पता नहीं। और रेक्टिफिकेशन का टाइम वही है जो उसका था वो इसका है। क्या रेक्टिफिकेशन टाइम है, अगले साल का 30 नवंबर या एनुअल रिटर्न फाइलिंग की फाइल जो की है जिस डेट को वो, विच एवर इज अर्लियर। अब आप आराम से रीड कर लीजिएगा, फिर यहाँ तक डाउट पूछना, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, यहाँ तक किसको डाउट? GSTR 1 में गलती हो जाएगी तो क्या करेंगे, अगली GSTR 1 में ठीक कर लेंगे। कॉलम 9, 10, 11, 2, ठीक है। लेकिन अगर GSTR 3B में हो जाए तो, पहले तो 3B की बजाय 3 था, बहुत डिटेल थी ये, उसमें थे कॉलम रेक्टिफिकेशन की। अब 3 खत्म कर दिए, सिंपल सी 3B नाम की है, 2-3 कॉलम ही है बस। गलती का पहली बार स्कोप ही नहीं है, और हो जाए तो ठीक कैसे करेंगे गवर्नमेंट से वो हमें भी नहीं पता कैसे करेंगे। इनकम टैक्स में गलती को कैसे ठीक करते हैं, रिवाइज रिटर्न अंडर सेक्शन, कोई नहीं बोलेगा, जयंत बोलेगा अंडर सेक्शन 8, नहीं 139(5). और कब तक फाइल कर सकते हैं रिवाइज रिटर्न, अगले साल के 31 दिसंबर, असेसमेंट ईयर का 31 दिसंबर। इसमें रिवाइज रिटर्न का सिस्टम नहीं है, इसमें उसी में ठीक कर देंगे, बस रीड करके देख लो। डाउट किसी को यहाँ तक, पिछली क्लास के पार्ट में, आज की क्लास के पार्ट में, यहाँ तक पहले किसी को डाउट? अगला क्वेश्चन देखिए, कंपोजिशन डीलर कौन से सेक्शन में आता है, कौन से सेक्शन में आता है, कौन से सेक्शन में आता है, 39 बोल रहे हो, एनीवन कैन टेल मी, बताया नहीं मैंने, मेरा ख्याल है ना, जो नॉर्मल होता है वो 9 में और जो कंपोजिशन होता है 10 में। कंपोजिशन वाले में क्या खास बात होती है, ITC नहीं मिलता, आउटपुट टैक्स चार्ज नहीं करना, मतलब ये रजिस्टर्ड होके भी अनरजिस्टर्ड की तरह बिहेव कर सकता है, शायद मैं बताया नहीं है ना, बताया था बताया था, एक्सप्लेन नहीं किया था, इन जनरल बताया था, तो देखिए दोबारा फिर देख लो, जैसे तू बता रहा है ना मुझे खुद को समझ में नहीं आया मैंने क्या बताया था। देखिए दो ऑप्शन है, मेरी टर्नओवर 40 लाख के ऊपर, तो बताइए मुझे क्या रजिस्ट्रेशन करवाना है, 40 लाख से ज़्यादा टर्नओवर करवाना है, सर्विसेज में 20 लाख, और मैं गुड्स और सर्विसेज दोनों सप्लाई कर रहा हूँ तो 40 लगेगा कि 20, 20 लोअर वाला, ये रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में आएगा, मैं एडवांस दे रहा हूँ। गुड्स 40 लाख के ऊपर रजिस्ट्रेशन करवाओ, सर्विसेज प्योरली जैसे हमारी सर्विसेज है, हम तो सामान बेचते नहीं हैं, तो 20 लाख क्रॉस करने में करवाओ। उससे सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं ज़्यादातर एजुकेटेड होते हैं, इनको प्रॉब्लम नहीं आती, 20 लाख पे रजिस्ट्रेशन करवा दो इनका, ले लेंगे GST दे देंगे हमें। सामान बेचने वाले शॉपकीपर ज़्यादातर लेसर एजुकेटेड होते हैं और उनको प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, चलो उनको रहने दो, उनको 40 के ऊपर ले लेंगे हम, ये पर्पज़ है, दोनों की लिमिट अलग अलग होने का। एक पर्सन गुड्स और सर्विस दोनों सप्लाई करता है, गुड्स भी दिए जा रहे हैं सर्विसेज भी देता है, तो लोअर वाली लिमिट लगेगी, 20 क्रॉस होने पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ये बात रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में सेक्शन 22 में, क्योंकि पहली 15 क्लास में जो भी हम करेंगे आगे के मैं हिंट देता रहूँगा, 15 क्लास के बाद आगे का हिंट नहीं आएगा, पीछे का आएगा,
जो जैसे टाइम ऑफ सप्लाई कर लिया, अब क्लास के अंदर उसी तरह टाइम ऑफ सप्लाई का हिंट आ जाए तो वो मैं आपसे पूछूंगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई का आ जाए तो मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। ऐसे आगे चलेंगे। पहली 15 क्लास में प्रॉब्लम आती है कि सारा आगे का पार्ट बार बार बीच बीच में आता रहेगा। अब जैसे कंपोजिशन स्कीम, ये तो अभी दो चैप्टर के बाद आएगी डिटेल में, रफली मैं पहले बता दूंगा आपको, ठीक है। गुड्स में रजिस्ट्रेशन किसको करवाना है? जिसकी टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा। और सर्विसेज में किसको करवाना है? 20 लाख के ऊपर। और दोनों प्रोवाइड करूँ तो मैं गुड्स और सर्विस 20 लगेगा कि 40? 20 लोअर वाला लगेगा, 20 क्रॉस होते ही रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, करेक्ट। अब गौर, जब रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो गौर से बता दो भाई आप नॉर्मल स्कीम में आओगे कि कंपोजिशन में आओगे। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फॉर्म कौन सा भरते हैं? तो जब हम ये फॉर्म भरेंगे तो इसमें कॉलम है आप नॉर्मल टैक्स पेयर बनना चाहते हैं कि कंपोजिशन टैक्स पेयर बनना चाहते हैं। नॉर्मल मतलब ITC ले लेना, आउटपुट चार्ज कर लेना, एडजस्ट कर लेना, टैक्स दे देना। जो स्टार्टिंग में हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए थे वो सारे नॉर्मल स्कीम के थे। स्टार्टिंग में जितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए सारे नॉर्मल स्कीम के थे। तो नॉर्मल स्कीम बताने की जरूरत नहीं है, वो तो आपको पता ही है। इसमें गौर से अगर आपकी टर्नओवर 150 लाख तक है, 1.5 करोड़ तक है, बड़े डीलर नहीं हो, आपको अकाउंटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, आपको GST समझ में नहीं आ रहा, तो आप ऐसे करो फिर ITC को रहने दो मत लो, क्योंकि उसमें डिटेल कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है ITC लेने का। और आउटपुट भी चार्ज मत करो, हर इनवॉइस पे GST लगा लगा के लोगे फिर हमें दोगे, रहने दो। आप क्या करो, जितनी आपकी टर्नओवर होगी उसका 1% अपनी पॉकेट से दे देना। देखो इसमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन मैं करके दिखाता हूँ, शायद मैंने एग्जैक्ट कैलकुलेशन ही करके दिखाई आपको, मतलब रफ हिंट। अभी ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी रफ ही समझना, अभी आगे चैप्टर आएगा। देखो, एक नॉर्मल टैक्स पेयर है, एक कमीशन टैक्स पेयर है, दोनों का ट्रीटमेंट देख लो क्या होगा। 10 लाख का सामान खरीदा, 2 लाख का GST दिया, 2 लाख का ITC ले लिया, नॉर्मल टैक्स पेयर है। कॉस्ट रहेगी 10 लाख, 1 लाख ऐड किया प्रॉफिट, 11 लाख में बेचा, GST का रेट 20% है, 20% चार्ज कर लिया, 2,20,000 अपना ITC 2 लाख का एडजस्ट कर लिया और नेट पेमेंट कर दिया 20,000। ये वो क्वेश्चन है जो हमने बिगिनिंग में किया है, ठीक है। 20,000 का पेमेंट कर दिया, ये कौन सा टैक्स पेयर है? नॉर्मल। कंपोजिशन वाला देखो, 10 लाख, 2 लाख ITC नहीं मिलेगा, कॉस्ट कितनी? 12 लाख, ऐड कर लो प्रॉफिट 1 लाख, बेचेगा 13 लाख में, आउटपुट चार्ज नहीं करेगा, जबकि ये कितने में बेच रहा है? 11 और 2 20, 13,20,000, करेक्ट। नॉर्मल टैक्स पेयर 11 लाख में 2 20 लगा के 13 20 में बेच रहा है, गवर्नमेंट को 20,000 और दे रहा नेट टैक्स, ये 13 लाख में बेच रहा है और आउटपुट टैक्स चार्ज नहीं कर रहा। तो ऐसा करने से गवर्नमेंट सेज टू दिस नॉर्मल टैक्स पेयर कि 2 लाख तो तुम वहाँ दे के आए थे, 20,000 तुमने और दे दिया, तुमसे तो हमें मिला कितना? 2,20,000, तुमने तो दिया हमें 2,20,000 टोटल, 20,000 ये रहा, 2 लाख ये रहा, करेक्ट। और इसको कह रहा है, इसको गवर्नमेंट कह रही है, देखो कमीशन डीलर तुमने सिर्फ 2 लाख दिया और देखो हमारा लॉस कर दिया, कितना लॉस कर दिया? 20,000 रुपये का, करेक्ट और नॉट? आपके सामने कैलकुलेशन है। अब ये लॉस तुम हमारा पूरा कर दो, तुम्हारी वजह से हमने किया है, चलो सारा नहीं, थोड़ा सा लॉस तुम बियर कर लो, थोड़ा हम बियर कर लेंगे। 13 लाख का 1% अपनी पॉकेट से निकालो, 13,000, ये टोटल लॉस 20,000 था, 7,000 हमारा, 13,000 तुम्हारा, लेकिन तुम्हें सारी कैलकुलेशन से हमने बचा दिया। दिस इज कॉल्ड कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10। ये ऑप्शन है, आपको उसमें आना है, इसमें आना आपकी मर्जी है। 1.5 करोड़ तक, 1.5 करोड़ के ऊपर तो उसी में आना पड़ेगा। सिंप्लीफाइड स्कीम, कमीशन स्कीम इज सिंप्लीफाइड। ऐसा कुछ इनकम टैक्स में भी था क्या? कौन सा सेक्शन? 44AD, 44AA, 44AE, प्रिजम्प्टिव इनकम। अंदाजे से टर्नओवर को मल्टीप्लाई करो 8% से। तो ये ज़्यादातर स्कीम उन लोगों के लिए बनती है जो लेसर एजुकेटेड होते हैं, हमेशा उनके लिए बनती है लेसर एजुकेटेड। कानून अपने आप में बहुत डिफिकल्ट है, इसको समझना बहुत मुश्किल काम है, कॉमन मैन बेचारा मारा जाता है। वो कहते मुझे पता ही नहीं था ये कानून है, वो कह रहे इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, सुना होगा आपने भी, है ना, तो वो बेचारा मारा जाता है कॉमन मैन। तो इसलिए हमेशा सिंप्लीफाई करते हैं, छोटे छोटे दुकानदार वो बेचारे कैसे करेंगे। तो इनकम टैक्स में भी ये पर्पज़ है, इसमें भी ये पर्पज़ है। सबसे पहले इस बारे में किसने सोचा था? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 में, ही वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर। उन्होंने एक स्कीम ये चलाई, इससे भी सिंपल था कि भाई जिसकी टर्नओवर मान लो कोई फिगर ले लो, इनकम टैक्स में ले लो कि भाई जिसकी भी टर्नओवर, इनकम नहीं टर्नओवर, इनकम तो निकालनी आती नहीं उनको, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाएंगे, पूरे रजिस्ट्रेशन की नॉलेज चाहिए,
क्योंकि टर्नओवर तो आपको पता लग जाएगी कितने का सामान बेचा। चलो भाई आपकी टर्नओवर अगर 50 लाख तक है, आप 1500 रुपये का टैक्स दे दो बस, 8% भी नहीं, 1500 रुपये दे दो आप। तो हुआ क्या, कंट्री में इतने सारे लोग थे जो टैक्स देते ही नहीं थे क्योंकि कैलकुलेट नहीं करना आता था, तो उन्होंने कहा भी 1500 दे दो आपको पूरा साल, कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी कुछ नहीं कहेगा, 1500 दे के पूरा साल आराम की चैन की नींद लो। इतने लोगों ने 1500 रुपये दे दिए, मान लो 1 करोड़ दे दिए, तो 1 करोड़ × 1500 देख लो कितना हो गया, तो गवर्नमेंट के हिसाब से बहुत हो गया। स्टार्ट वहाँ से हुआ था, फिर धीरे धीरे उसको सिंपल करने के बजाय थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते चले गए, लेकिन अभी भी सिंपल है। स्टार्टिंग वहाँ से हुई थी कि जो कॉमन मैन है उसको बेचारे को टैक्स को लेके परेशानी नहीं होनी चाहिए, नहीं कुछ हिस्सा तो दे कि भाई क्योंकि गवर्नमेंट इतना काम कर रही है तो कुछ हिस्सा तो देना बनता है, ठीक है। तो कंपोजिशन स्कीम का पूरा चैप्टर है, एक पूरी क्लास का पार्ट है ये, एडवांसमेंट में आपको दे रहा हूँ, और एग्जाम में इसका क्वेश्चन पक्का आता है। तो आप इसमें से जो आपको सुपरफिशली दिखने में लग रहा है कि इसमें ये डाउट है वो डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा। इसके बाद मैंने इनकम टैक्स में भी की थी कि जो 2 लाख दिया है क्या वो पेंडल में डेबिट होगा, इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ, वो 2 लाख क्या इनकम टैक्स में मैं परचेजेज में 10 लाख डेबिट करूँ कि 12 10, क्योंकि 2 तो वापिस मिल जाएगा, ये टैक्स रिसीवेबल अकाउंट में जाएगा, एसेट है लेना हमने, और जो है मैं पब्लिक से लिया 2 20, क्या मेरी इनकम है, नहीं पेबल है, गवर्नमेंट का है ये लाइबिलिटी, वो एसेट रिसीवेबल अकाउंट पेबल अकाउंट, अकाउंटिंग आई थिंक मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखा दी थी, जीएसटी दिखाई थी ना, तो इसलिए इसका पेंडल से कोई लेना देना नहीं है। ये बात हमने इनकम टैक्स में डिस्कस की थी, मैंने कहा बाकी जीएसटी में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये बंदा अपनी जेब से दे रहा 13,000 रुपये, ये कस्टमर से नहीं लिए, ये वाला था 43B में लिखा था कि कंपोजिशन टैक्स को आप पेमेंट करके पेंडल में डेबिट कर सकते हो। फिर जब इनकम टैक्स वगैरह वाला पार्ट डिस्कस किया टैक्स का, फिर उसमें ये था कंपोजिशन टैक्स को आप पेंडल में डेबिट कर सकते हो, आपकी पॉकेट से जा रहा है ये आपका एक्सपेंस है, वो नहीं कर सकता, वो उसने दिया है वापस होगा, पब्लिक से लिया है गवर्नमेंट का, एडजस्ट करके 20,000 गवर्नमेंट को दे देगा, उसका पेंडल बीच में आया ही नहीं कहीं, इसका पेंडल आएगा बीच में 13,000 का। तो इनकम टैक्स में भी अगर क्वेश्चन आता है कंपोजिशन टैक्स पे किया है, वेदर इट कैन बी डेबिटेड टू पेंडल अकाउंट, यस डेबिट किया पेंडल अकाउंट फाइन, वो नहीं कर सकता, ठीक है। इनकम टैक्स जीएसटी मैंने पहले बताया था पूरे कनेक्टेड है, हर बात जो इसमें करेंगे उसमें पैरेलल मिल जाएगी, मिस्टेक होगी रिवाइज रिटर्न, मिस्टेक होगी इसमें ठीक कर लेंगे दोनों का कंपैरिजन। सिंप्लीफाइड स्कीम उसमें, सिंप्लीफाइड स्कीम इसमें, ये टैक्स डेबिट हो जाएगा वो नहीं होगा, कनेक्टेड तौर पार्ट पे। तो ये कंपोजिशन स्कीम तो अभी आना है डिटेल में, मैं तो अब कहाँ पर दिया हुआ है बुक में दिखा देता हूँ, फिर आपको पता लग जाएगा कब आएगा, बस बहुत जल्द आने वाला है। बीच में एक छोटा सा चैप्टर है पेमेंट ऑफ जीएसटी, उसके बाद यही है, देख लीजिएगा पेज नंबर 114, एक बार नज़र लगा लीजिएगा कंपोजिशन देखने में कैसा लगता है, 114 ये वो चैप्टर है, एक क्लास का ही है बस, और एग्ज़ाम में बहुत आता है, एग्ज़ाम के लिए बहुत पॉपुलर है ये कमीशन स्कीम, और रियल लाइफ में 1.5 करोड़ वाले सब इसी स्कीम में मिलेंगे, 1.5 करोड़ वाले लोग सब इसी स्कीम में मिलेंगे। तो मैंने आपको इतनी जल्दी इसके बारे में क्यों बताया, क्योंकि इसको कौन सी रिटर्न फाइल करनी होती है वो हमें डिस्कस करना है, इसकी रिटर्न फाइल डिस्कस करना है, रिटर्न का चैप्टर चल रहा है ना, तो जो क्वेश्चन अभी स्टार्ट कर रहे हैं वो ये है कि इनको कौन कौन सी रिटर्न भरनी है, इनको अलग भरनी है उनको अलग भरनी है, इसलिए मैंने बीच में बताया आपको, और एग्ज़ाम के लिए बहुत पॉपुलर है, ठीक है। वापस आ जाए रिटर्न पे, किसी को डाउट यहाँ तक पूछनी है पूछो। भाई उसकी परचेजेज में जाएगा ना, उसकी परचेजेज 12 लाख बनेगी, 12 लाख पेंडल में डेबिट करेगा, उसका पेंडल में 12 लाख परचेजेज आएगी, इसके पेंडल में 10 लाख आएगी, वो उसकी कॉस्ट बनेगी क्योंकि उसे टेस्टेड नहीं मिला। देखो ये आपको कॉस्टिंग में काम आएगा, कॉस्टिंग में, क्योंकि कॉस्टिंग के टीचर आपको ये नहीं बताएंगे कब आपको 10 लाख कॉस्ट लेनी है, कब आपको 12 लाख कॉस्ट लेनी है, वो मैं बता रहा हूँ आपको, कॉस्टिंग के क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए कब कॉस्ट 10 आएगी कब कॉस्ट 12 आएगी। तो वो कॉस्टिंग का क्वेश्चन होगा, उसमें जीएसटी की बात इन जनरल करेंगे ही नहीं, क्योंकि इन जनरल अगर बात कर दी जीएसटी की तो कभी आएगा और कभी नहीं आएगा, तो पूरा जीएसटी पढ़ाना पड़ेगा, तो एक ही फिगर ले लेता है। वैसे रियल लाइफ के हिसाब से अगर कॉस्टिंग में कॉस्ट निकालोगे उसकी निकालोगे तो कॉस्ट परचेजेस की 10 लेना, इसके लोग 12 लोगे, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कभी है। तो रियल लाइफ में अगर कोई क्लाइंट आएगा तो किसी का पेंडल में 12 आएगा, किसी का पेंडल में 10 आएगा, ये पूरा पता होना चाहिए। कॉस्टिंग के क्वेश्चन में अगर हम डाल दें कि उसे टेस्ट रेट मिला है
तो 10 नहीं मिला था इतना, लेकिन मेरा ख्याल कॉस्टिंग क्वेश्चन में जीएसटी के साथ कोई बात है नहीं है, है यार है नहीं है, है थोड़ी थोड़ी। तो अगर थोड़ी थोड़ी है तो मेरे ख्याल सर ने कुछ बताया नहीं होगा कि इसको लेना है कि नहीं लेना। बताएंगे तो एक सेंटेंस बताएंगे कि भाई अगर टेस्ट क्रेडिट मिला है तो उसको मत लेना जीएसटी को, नहीं मिला तो ले लेना। अब ये कब मिलता है कब नहीं मिलता, अगर ये बायर चेंज कर देता हूँ तीसरा केस अनरजिस्टर्ड है तो भी नहीं मिलेगा, सेलर जो है रजिस्टर्ड है। अगर वो सेलर अनरजिस्टर्ड है तीसरा केस बन गया ना इसको छोड़ के, उसको भी नहीं टेस्टेड मिलेगा अनरजिस्टर्ड को। और अगर रजिस्टर्ड है तो मिलेगा नॉर्मल में, नहीं मिलेगा कंपटीशन में। तो ये तो आपको हर पर्सन का इंडिविजुअली देखना पड़ेगा, कॉस्टिंग में ऐसे नहीं दिया होगा अलग अलग करके, वो नॉर्मली दे देंगे इतने का खरीदा बस ये कॉस्ट है। वैसे मैं बता रहा हूँ मैं अनरजिस्टर्ड डीलर हूँ तो मुझे आउटपुट तो चार्ज करना ही नहीं ना किसी भी हालत में, और जो परचेज पे मैं देके आया हूँ क्या मेरी कॉस्ट में आएगा? yes. फटाफट बोलो यस और नो, यस वो आएगा क्योंकि मुझे टेस्टेड नहीं मिला। तो टेस्टेड कब मिलता है? जब आप रजिस्टर्ड है और नॉर्मल टैक्स पेयर है, करेक्ट। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, अभी इनपुट टेस्टेड का चैप्टर तो अभी आना है, उसमें इतनी कहानी है, इसमें मिलेगा इसमें नहीं मिलेगा, इसमें मिलेगा इसमें नहीं मिलेगा, इसमें मिलेगा इसमें नहीं मिलेगा, थक जाएंगे दुखी हो जाएंगे समझते समझते कि किस में मिलेगा इसमें, एंड में समझ में आता है पता नहीं किस में मिलेगा किस में नहीं मिलेगा। यहाँ मैं कह रहा हूँ ना मिलेगा इसी में है। अगर तुमने मोटर कार खरीदी है बिजनेस के लिए नहीं मिलेगा, अगर मोटर कार की कैपेसिटी सीटिंग कैपेसिटी 13 से ज़्यादा है तो मिलेगा, अगर आपने बस खरीदी है मिलेगा, ट्रक खरीदा है मिलेगा, अगर आपने कंस्ट्रक्शन के लिए लिया सर्विसेज तो नहीं मिलेगा, अगर आपने एंटरटेनमेंट पे खर्च किया नहीं मिलेगा, खाने पीने की चीज़ों पे का बिल आया उसका नहीं मिलेगा। तो ऐसे लंबी लिस्ट है, इसका मिलेगा इसका नहीं मिलेगा, इसका मिलेगा इसका नहीं मिलेगा इसका मिलेगा, 17(5) ये सेक्शन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ब्लॉक्ड क्रेडिट, इसका नाम है ब्लॉक्ड क्रेडिट। कहाँ पे गवर्नमेंट से ब्लॉक कर देगी नहीं मिलेगा, सारे लॉजिक खत्म कर दें हमने ब्लॉक कर दिया ना, खत्म बात। भाई आपका मोबाइल है आपने मुझे ब्लॉक कर दिया, मैं कुछ कर सकता हूँ? कर दिया ना, मैं क्यों आपको आपको क्या मतलब हमने कर दिया ब्लॉक, हमें नहीं लगता अच्छा आपसे बात करनी, आपकी मर्जी है। तो गवर्नमेंट ने जहाँ ब्लॉक कर दिया ना कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, ख़त्म ब्लॉक। तो वो पार्ट अभी आएगा चैप्टर, पहले वो चैप्टर मैं स्टार्टिंग में करवाता था, सारे बच्चे दुखी हो जाते थे, अब मैंने उसको उठा के पीछे लगाया एंड में, मैं पहले सारा ख़त्म हो जाने दो, इसकी बैकग्राउंड 10 बार बता के फिर करवाऊँगा। तो अब इसमें डाउट पूछो, आप क्या पूछ रहे थे? हो गया ठीक है, वो करेगा 10 ये करेगा 12, लॉजिकल है भाई उसको 2 वापस मिल गए तो 12 क्यों करेगा, लॉजिकल है इसको 2 नहीं मिलता 12 ही करेगा, करेक्ट। अब बताओ ये 13,20,000 में बेच रहा है, ये 13,00,000 में, तो लोग किससे ज़्यादा सामान खरीदेंगे 13, तो फिर उसके लिए नुकसान नहीं है, वो तो मारा जाएगा, उसकी तो दुकान बंद हो जाएगी। गौ से छोटा डीलर है बेचारा, छोटा है, छोटों की हेल्प करनी चाहिए, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ी सेल कम भी होगी तो क्या है, तुम तो बड़े डीलर हो, गवर्नमेंट हेल्प किसकी करेगी, छोटे की कि बड़े की? छोटे की। और अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो वे आउट है, अपना प्रॉफिट मार्जिन कम कर लो, किसने कहा 1,00,000 का प्रॉफिट ले, 50,000 का प्रॉफिट ले लो, आप 70,000 का प्रॉफिट ले लो। तो मान लो 2 दुकानें बराबर बराबर हैं, कस्टमर आज इससे खरीद गया सामान, अगले दिन उससे खरीद गया, खरीदने के बाद इसको बोल गया कि तुम तो ज़्यादा पैसे लेते हो, उसको थोड़ा जीएसटी समझ में आ रहा है, मैं लाया था कल बराबर वाली दुकान से सस्ते में देता है, ये अपना प्रॉफिट कम कर देगा, ये ले और कम कर देता हूँ, ये 13,00,000 में 12,00,000 90,000 में दे दूँगा। तो उसे ये तो आपकी आपस की बात है, आप देख लो, इसलिए आप देख लो सेम सामान 2 दुकान से खरीद लो, डिफरेंस आ जाता है, कभी कभी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा, अपनी अपनी मर्जी है। प्रॉफिट मार्जिन कम रखोगे टर्नओवर ज़्यादा हो जाएगी एक ही बात है, प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा रखोगे टर्नओवर कम हो जाएगी एक ही बात है, सबकी अपनी अपनी अप्रोच है। तो ये मतलब आगे अगर बिजनेस की बात करें तो ये है, मान लो जो क्लाइंट आएगा वो कहेगा कि आप मैं तो नॉर्मल स्कीम में हूँ, मेरा पड़ोसी के कंपोजिशन में है, मेरा तो बड़ा नुकसान हो रहा है, कस्टमर सारे चले गए, जो आप तो आपको ही देना, आपका क्या फ़र्क पड़ता है, प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम कर दो, वैसी सेल बढ़ जाएगी, जो आप तो आपको ही देने पड़ेंगे ना सारे, वो तो हर क्लाइंट आपसे पूछेगा हर बात। तो वो और कोई माइंड में आपकी बात है पूछो, फिर डिस्कस करते हैं इसको। कमीशन चैप्टर तो अभी आना है, मैं तो आपको रफली बता रहा हूँ, रफली में जयंत कोई डाउट? ठीक है, अब इसको पब्लिक से टैक्स नहीं लेना, अपनी जेब से देना है, लेकिन ये पब्लिक से लिया जा रहा है, पब्लिक को क्या पता,
इसलिए गोम से कंपोजिशन डीलर तुम्हें अपनी दुकान के बाहर बोर्ड लगाना पड़ेगा, कंपोजिशन डीलर नॉट अलाउड टू चार्ज आउटपुट टैक्स। आपकी दुकान के बाहर बोर्ड होना चाहिए, वरना पब्लिक को कैसे पता लगेगा, आप तो चार्ज कर लोगे, और अगर चार्ज किया और पकड़े गए पनिशमेंट है। चार्ज किया और पकड़े गए, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपने दो लोगों को बिफूल किया, दो को, दो किसको, एक तो पब्लिक को ले लिया, एक गवर्नमेंट को, क्योंकि आपने पैसा गवर्नमेंट के नाम से लिया और फिर गवर्नमेंट को दिया नहीं, अपनी जेब में डाल दिया, बिफूल किसको किया, गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के नाम से लेके अपनी पॉकेट से। इसलिए इसमें इंप्रिजनमेंट है 6 मंथ का, पेनल्टी वेनल्टी तो है, बट गोसे दिस ए वेरी वेरी सीरियस मैटर। हमारे नाम से पैसा ले लिया और फिर अपनी जेब में डाल लिया, डबल फ्रॉड हो गया आपका, पब्लिक से और हमसे 6 मंथ का इंप्रिजनमेंट है, प्लस बोर्ड लगा के रखना, आपको बोर्ड नहीं मिला पेनल्टी लगा देंगे जब भी चेक करने आएंगे बोर्ड। ये कंपोजिशन स्कीम में ही पार्ट आगे आएगा, मैं तो सिर्फ बैकग्राउंड बना रहा हूँ ताकि जब, क्योंकि GST में ना मैंने देख लिया हर चीज़ को 2-3 बार बताना पड़ता है तो बच्चों को याद नहीं होता। इसको भी बताऊँगा, फिर बताऊँगा, फिर बताऊँगा, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा लेकिन याद हो जाएगा फिर आपको, करेक्ट। अब यहाँ तक डाउट, फिर इसकी रिटर्न चेक करते हैं, इसको रिटर्न कौन कौन सी देनी है, यही पे बताता हूँ मैं रिटर्न, इसकी तुम बताओ कौन सी देनी है, 1 और 3 B और एनुअल 9 और आएगी 2 B, है ना, इनपुट एस क्रेडिट कौन सा 2 B आएगी। इसको कौन से 1 जाने दो, 3 B जाने दो, 9 जाने दो, 2 B आपकी आई नहीं, टेस्टेड है ही नहीं, बदले में आपकी सिंपल सी आएगी CMP 08। कितने इंटरवल के बाद भरनी है CMP 08, हर महीने या क्वार्टरली? क्वार्टरली। टैक्स कब पे करना है? मंथली, है ना, टैक्स तो सबको मंथली देना है, बिल्कुल नहीं, क्वार्टरली। नॉर्मल टैक्स पेयर को मंथली देना है, QRMP, क्वार्टर रिटर्न मंथली पेमेंट, किसकी बात है, नॉर्मल की, इसकी नहीं। इसकी मैंने बीच में बोला था 18 तारीख को देना होता, याद करो एक डेट बोली थी 18 तारीख, इनको 18 तारीख को देना होता, क्वार्टर खत्म होने के बाद अगले महीने की 18 तारीख तक टैक्स देना है, उसी दिन ये CMP 08 भरना है, ये भरना है और टैक्स देना है। इनका CMP 08, इनका क्वार्टरली, इनका टैक्स पेमेंट भी क्वार्टरली है, वो नॉर्मल वाले का हर महीने, तो उसे देखो कितना फ़ायदा कर दिया आपको। नॉर्मल टैक्स पेयर 4 रिटर्न क्वार्टरली भर लेंगे, टैक्स नहीं छोड़ते हम हर महीने, तुम टैक्स भी क्वार्टरली दे देना 3 महीने के बाद, टर्नओवर निकाल लेना 1% निकाल लेना, क्वार्टरली टर्नओवर का 1% इतना टैक्स देना है, ठीक है। 18 तारीख CMP 08 भरने की और टैक्स देने की दोनों की, 18 तारीख, क्वार्टर खत्म होने के बाद अगले महीने 18, वो सब लिखा हुआ है, मैं भी रीड करवा दूंगा आपको, वो तो मैं आपको अभी याद करवा दूंगा फिर रीड करवाऊंगा, ठीक है। कंपोजिशन डीलर को टैक्स कितने इंटरवल के बाद देना है? क्वार्टरली, ठीक है। कौन सी डेट को? क्वार्टर खत्म होने के बाद अगले महीने की 18 तारीख। और रिटर्न कौन सी भरनी है? CMP 08, छोटा सा फॉर्म है रिटर्न का, सिंपल सा फॉर्म है छोटा सा, और रिटर्न भरनी है क्वार्टरली, सॉरी एनुअल, GSTR 4, कब तक? साल खत्म होने के बाद अगले महीने की 30 तारीख तक, यहाँ तक भरनी है, करेक्ट। अब पढ़ते हैं उसको, ये लिखा हुआ उसमें, देखो आप पेज नंबर आइए 88, पेज नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन स्टेटमेंट रिटर्न बाय कंपोजिशन डीलर, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन पेइंग टैक्स प्रेजेंट टेंस शैल फर्निश स्टेटमेंट। CMP 08 को हम सिंपल सा एक स्टेटमेंट बोल देते हैं। एवरी क्वार्टर इज अ केस इन पार्ट देयर कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ पेमेंट ऑफ सेल्फ टैक्स इन GST CMP 08। CMP मींस कंपोजिशन की शॉर्ट फॉर्म है, CMP सारी शॉर्ट फॉर्म जो है GST एक्ट में लिखी हुई है, ये फिक्स कर रखा उन्होंने कि अपनी आपको एब्रीविएशन नहीं बनानी, हमने एब्रीविएशन बना के दिया है, घर का नाम अलग बताया है और बाहर का नाम अलग बताया है, घर के नाम सबके अलग लिखे हुए हैं। CMP 08 कब तक? 18 तारीख, मंथ सक्सेडिंग सच क्वार्टर, फर्निश्ड एवरी फाइनेंशियल ईयर पार्ट देयर GST 4 टिल 30th day ऑफ द अप्रैल, इलेक्ट्रॉनिक थ्रू कॉम पोर्टल, ऑफिशियल पर्सन शैल डिस्चार्ज इलेबोरेट फॉर टैक्स इंटरेस्ट बाय डेबिटिंग इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इनका क्रेडिट लेजर तो होता ही नहीं है। रजिस्टर पर्सन ऑप्टिंग टू विड्रॉ फ्रॉम कमीशन स्कीम एट इज ओन मोशन और वेयर ऑप्शन इज विड्रॉन एट द इंस्टेंस ऑफ द प्रॉपर ऑफिसर शैल वेयर रिक्वायर्ड फर्निश स्टैंडर्ड GST CMP फॉर द पीरियड फॉर विच द टैक्स। अगर आप कंपोजिशन में है वहाँ से शिफ्ट करके नॉर्मल में आना चाहते हो तो जब तक आप कंपोजिशन में थे तब तक का टैक्स इस हिसाब से दे देना, जब नॉर्मल में आओगे तो फिर उस हिसाब से देना।
till the 18th day of the month succeeding the quarter in which the date of withdrawal falls, and furnish a return in form GSTR for the period till the 30th day of April following the end of financial year. Ek bar read kar lo, main explain karta hu. देखो अब इसमें जो सेकंड पैराग्राफ है ना, सेकंड उसमें क्या लिखा हुआ है, जो इसका सेकंड पैराग्राफ है वो ये है। जैसे मान लीजिएगा मैं कंपोजिशन स्कीम में हूँ और मैंने 18 अक्टूबर 23 को ऑप्ट किया कि मैं अब शिफ्ट कर रहा हूँ नॉर्मल स्कीम में, कंपोजिशन से सोर्स शिफ्ट कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि देखो ये जो क्वार्टर है अक्टूबर नवम्बर दिसंबर, इसमें यहाँ तक का आप 18 तारीख को, 18 जनवरी बनेगा ना, 18 जनवरी को CMP 08 भर देना यहाँ तक का, और यहाँ तक का टैक्स दे देना, आपका कंपोजिशन वाला पार्ट ख़त्म हो जाएगा। इसके आगे का जो टाइम पीरियड ये वाला 31 अक्टूबर 23 तक, इसका GSTR 1 भर देना, क्योंकि अब आप नॉर्मल स्कीम में आ गए हो, और आगे इनका GSTR 1 भर देना, यानी जब तक कंपोजिशन में थे कंपोजिशन वाला पार्ट पूरा कर दो, जब नॉर्मल में आ गए तो नॉर्मल का पार्ट पूरा कर दो। ये लिखा हुआ सेकेंड पैराग्राफ में, दोबारा रीड करके देखो कि जब तक आप जिस स्कीम में उसका पार्ट पूरा कर दो, 18 अक्टूबर तक जो सेल किया है CMP 08 भर के 1% का टैक्स दे देना, उसके आगे GSTR 1 भर देना, उसका उसके हिसाब से हो जाएगा। जब तक कंपोजिशन में, कंपोजिशन नॉर्मल आ गया नॉर्मल वाले, देखो रीड करके, ना भी लिखा तो भी अंडरस्टूड है। 18 अक्टूबर तक का टैक्स 18 जनवरी को भर देना CMP 08 के साथ में, और 19 अक्टूबर से GSTR 1 भरना शुरू कर देना, ठीक है। अक्टूबर के बचे हुए टाइम की 11 नवंबर को मंथली भरनी है तो GSTR 1 भर देना, और फिर 20 तारीख को GSTR 3 भी भर देना 20 नवंबर को, तो वो अलग हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा। जब तक फाउंडेशन में थे फाउंडेशन के रूल चलेंगे, जब इंटर में आ गए तो इंटर के रूल चलेंगे। क्या फिर बोलो भाई, सेम डेट से नेक्स्ट क्वार्टर का हिसाब नहीं है, सेम डेट से बदल जाएगा। यहाँ तक कंपोजिशन में, कमीशन में अगले दिन से नॉर्मल में आ जाओगे। क्वार्टरली जाएगी, मैं क्वार्टरली तो लिख रखा है, मैंने क्या लिख रखा है, क्वार्टर का तो लिख रखा है। क्वार्टर का 18 तक जाएगा ना, क्वार्टर का पूरे क्वार्टर का कैसे जाएगा, जब उसके आगे आप हो ही नॉर्मल में तो कैसे जाएगा। जाएगी क्वार्टरली, लेकिन यहाँ तक जाएगी ना, उसके आगे तो नॉर्मल में आ गए। और मैं क्या बोल रहा हूँ, तो मैं इतनी देर से क्या बोल रहा हूँ, देखो जब तक कंपोजिशन में हूँ उसका हिसाब, जब ड्यू डेट आएगी तो मैं कंपोजिशन का हिसाब कर दूंगा कि जी मैंने 18 तारीख तक कितना बेचा था, ये लो टैक्स, और 18 तारीख तक का CMP 08 ले लो, बात ख़त्म। जब नॉर्मल में आ गया तो नॉर्मल का करूँगा, तो इसमें डाउट कहाँ है, है ही नहीं डाउट। कितनी भी कोशिश कर लो मिलेगी नहीं डाउट, है तो किसे पूछो, सीधा हिसाब है भाई। जब तक आप इसमें थे उसका हिसाब कर दो, जब उसमें आगे तो उसका हिसाब कर दो। तो नॉर्मल का मैं 19 अक्टूबर से ही तो करूँगा, 18 तक तो मैं था ही नहीं। 19 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक 11 नवंबर को मैं GSTR 1 दे दूँगा, और 20 नवंबर को 3 भी दे दूँगा। क्लियर, कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। और थोड़ा ऐड कर देता हूँ, मेरी टर्नओवर 18 अक्टूबर को हो गई है 1.5 करोड़ क्रॉस कर गई है। जैसे 1.5 करोड़ क्रॉस करेगी, गौर से हम आपको कमीशन स्कीम से धक्के मार के बाहर कर देंगे, चलो बाहर निकलो यहाँ से। सेम डेट 19 तारीख से मैं नॉर्मल में आ जाऊंगा, मुझसे आपकी ड्यूटी, आप हमें बताओ टर्नओवर क्रॉस कर गई, एक फॉर्म होता है भर के देना होता है कि जी मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ भर गई, और सेम डेट को हमसे हम आपको कहेंगे आ जाओ आप नॉर्मल में। तो यहाँ से यहाँ तक 19 अक्टूबर यहाँ तक कौन सी भरनी है, GSTR 1 कब तक, डेट बोलो, 11 नवंबर अगले महीने 11 तारीख है ना मंथली वाले, और GSTR 3 भी 20 नवंबर मंथली वालों के लिए, सो ऑन। अब रही बात GSTR 4 भी भरनी है,
30 अप्रैल 2024 कब तक? यहाँ तक, 1 अप्रैल 23 से 18 अक्टूबर 23 तक का जो भी डिटेल है GSTR 4 में रिपोर्ट कर दो, और यहाँ से ऑनवर्ड GSTR 9 में रिपोर्ट कर दो। GSTR 4 कब तक? 30 अप्रैल तक। GSTR 9 कब तक? अगले साल के, बोलो फटाफट, सारी सबकी आवाज़ आनी चाहिए। एनुअल रिटर्न कब तक जाती है? GSTR 9 भरने की डेट 31 दिसंबर। इतनी बार तो डिस्कस किया 31 दिसंबर, तो सारे बच्चे क्यों नहीं बोल रहे? अब मैं नोट करूँगा कौन कौन नहीं बोल रहे, उन्हीं को मैं खड़ा करूँगा, बताओ नहीं तो खड़े रहो, अपने आप एक्टिव हो जाएंगे। तो 19 अक्टूबर से 31 मार्च 23 24 तक मैं भरूँगा एनुअल GSTR 9। कब तक? 31 दिसंबर तक। और यहाँ तक भरूँगा GSTR 4। कौन सी डेट को भरनी है? 30 अप्रैल 24 तक मैक्सिमम, करेक्ट? डाउट पूछो, बोलो अनुष्का। 1 अक्टूबर को नहीं, कौन सी डेट को क्रॉस करिए लिमिट? तो 1 अक्टूबर से क्रॉस करिए, तो 1 अक्टूबर से ही तो आओगे, जिस दिन क्रॉस कर जाएगी उसी दिन से नॉर्मल में चले जाओगे। या 18 को क्रॉस किया है तो 18 से, यानी नेक्स्ट डे से, अगर आप 18 को 1 करोगे तो 2 अक्टूबर से चले जाओगे, फिर डेट बदल लो, फिर उस डेट से चले जाओगे, फिर डेट बदलो उस डेट का, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? मान लो 17 सितंबर को बदली है तो 18 सितंबर से चले जाओगे, डेट बदलने से क्या फ़र्क पड़ेगा? तो जब तक है डेट क्रो तब तक है, आगे से बदल जाएगी, ठीक है? और बोलो डाउट, कोई जल्दी नहीं है, संडे है, आप भी खाली, मैं भी खाली, पूछो, चलो डाउट बोलिए। एक सेंटेंस है, मैं एक सेंटेंस को 20 बार बोले जा रहा हूँ, जब तक कंपोजिशन में हो, कंपोजिशन की जो रिक्वायरमेंट पूरी कर देना, जब नॉर्मल में आगे नॉर्मल की कर देना, इसमें क्या बताने वाली बात है? कोई भी चलता फिरता इंसान समझ जाएगा भाई, जब तक उसमें थे उसमें, जब तक इसमें थे इसमें, जब तक फाउंडेशन में थे एग्जाम फाउंडेशन के तो दोगे, अब इंटर में आ गए तो इंटर, जब फाइनल में आ जाए तो फाइनल के दोगे, ठीक है? बोलो डाउट किसे, और रीड करके देखो। अब देखिए 18 अक्टूबर टर्नओवर अभी 1 करोड़ है, 1.5 करोड़ क्रॉस नहीं की, फिर भी मैं शिफ्ट होना चाहता हूँ तो क्या हो सकते हैं? हो सकते हैं, उससे आपकी मर्जी है। मैं कह रहा हूँ मैं कंपटीशन में था पहले, अभी 1 करोड़ टर्नओवर हुई है, 1.5 करोड़ नहीं हुई, लेकिन मुझे पसंद नहीं आई स्कीम, तो उससे कोई बात नहीं, इसमें आ जाओ फिर। तो ऑप्शनल भी आ सकते हैं और 1.5 करोड़ क्रॉस हो गया कंपल्सरी भी आ सकते हैं, दोनों केस में ट्रीटमेंट इज़ द सेम, एक ही बात है, वो तो एक ही बात है, अपने आप आए या किसी ने धक्का दे के बाहर निकाल दिया तो एक ही बात है, मतलब बाहर हो गया आप, जब तक इसमें थे इसका, जब इसमें आ गए इसका, करेक्ट? ये वो चीज़ है जिसको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं पता नहीं क्यों समझा रहा हूँ, ठीक है? अब जिसको डाउट है बोलो, अभी इसको क्वेश्चन को सारे को आराम से पढ़ो, इसका अगली बार जब मैं नई बुक बनाऊँगा ना, ये सेकेंड पैराग्राफ हटा दूँगा, इसकी ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, ये तो अंडरस्टूड पार्ट है, क्योंकि जो भी बुक में पढ़ा रहा होता हूँ ना, इसके साथ साथ नया एडिशन बन रहा होता है, मैं क्लास पढ़ाने के बाद जाऊँगा घर, जाते ही घर में ही मेरा ऑफिस है, तो जाते ही इसको मैं कंप्यूटर में इस पैराग्राफ को पूरे को डिलीट करवा दूँगा, इसकी ज़रूरत नहीं है ना, ये बिना मतलब के लिखा हुआ है, जो बात अंडरस्टूड है, बिना मतलब टाइम लगाए, तो इसमें जो भी पार्ट में पढ़ाता हूँ घर जाके फिर मैं डेफिनेटली चेंज करवाता हूँ, इसमें ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, ये करो, ठीक है? हटवा दूँ ना, इसकी ज़रूरत तो है नहीं कुछ, ना इसमें कोई क्वेश्चन बनेगा, ना कोई लेना नहीं देना, ठीक है? चलो डाउट पूछो अभी यहाँ तक। अब इसके ऊपर वाली लाइन भी फालतू की है, एवरी सच रजिस्टर डिस्चार्ज टैक्स लेवी टू टैक्स सेंटर, तो ये तो अंडरस्टूड है, उसका क्रेडिट लेजर तो होता ही नहीं है, कैश लेजर होता है तो कैश लेजर से ही देगा,
और GSTR 4 के मेन मेन कॉलम देख लो, इनको याद करने की जरूरत नहीं है, ये मेन मेन कॉलम देख लेते हैं। वही GSTN बताओ, लीगल नेम ट्रेड नेम बताओ, एग्रीगेट टर्नओवर बताओ, इनवर्ट सप्लाइज इंक्लूडिंग सप्लाइज ऑन विच टैक्स पेड रिवर्स चार्ज वो बता दो, टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाइज मेड ये बेसिकली चाहिए क्योंकि इसका 1% देना है। और अगर एडवांसेस वगैरह की बात जो हमने GSTR 1 में की थी वही है, कोई एडवांस आया या आया, TDS क्रेडिट रिसीव्ड नॉट कवर्ड इन सिलेबस को काट दो, अभी ये सिलेबस में आ गया है। TDS का एक सेक्शन है 51, TDS किसका, GST का, जैसे इनकम टैक्स में TDS है ऐसे GST में भी TDS है, नाम का है सेक्शन 51, वो सिलेबस में नहीं था, इस बार से आ गया है। तो नॉट कवर्ड इन सिलेबस काट दो, नॉट काट दो, बस कवर्ड इन सिलेबस रह जाएगा, सेक्शन 51 TDS का। और एक TCS का है, TCS का कौन सा है, 52, ये दोनों पहले सिलेबस में नहीं थे, इस बार से आ गए हैं, TDS का TCS का दोनों हैं, छोटे छोटे ही छोटे छोटे पार्ट है। तो अब हमारे पहले सेक्शन 50 तक थे, अब 52 तक हो गए, तन्वी बातें नहीं करनी, 52 तक हो गए, बहुत देर से बातों में लगे हुए, तुम इधर ध्यान दो। तो TDS और TCS दोनों हमारे सिलेबस में अब ऐड हो गए इस बार से, तो नोट काट दो, कवर्ड रह जाएगा। इसके अलावा टैक्स पेबल पेड वो तो आ ही गया, जितना है इंटरेस्ट वगैरह जो है वो है ही, रिफंड क्लेम क्लेम फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज, भाई मान लो मैंने गलती से ज़्यादा दे दिया तो उसे आप रिफंड ले लो, डेबिट एंट्री इन द कैश लेजर फॉर टैक्स, बस ये तो कुछ नहीं, ऐसे बस रीड करो रफली, GSTR 1 के कॉलम याद करें ना इसके लिए। चलो डाउट देखिए यहाँ तक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं ना, अब 2B की बात करते हैं, है डाउट किसी को 2B की बात करते हैं। क्वेश्चन 10, एक्सप्लेन फॉर्म मैनर ऑफ फैसिलिटेटिंग डिटेल्स ऑफ इन्वर्ट सप्लाईज एज पर सेक्शन 38 रूल 60 कम्युनिकेशन ऑफ डिटेल ऑफ इन्वर्ट सप्लाईज एंड इनपुट एस्टेट सेक्शन 38 एन ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट इन GST 2B शैल बी अवेलेबल ऑन द GST पोर्टल एवरी मंथ, रिसिपेंट शैल बी अलाउड टू टेक ITC ऑन द बेसिस ऑफ सच स्टेटमेंट, इट विल बी अवेलेबल डे आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग GST 1 और फर्निशिंग ऑफ इनवॉइस यूजिंग IFF विच एवर इज लेटर, 11 और 13 लेटर इज 13 और 13 के बाद एक दिन 14 तारीख को, इट विल कंटेन डिटेल्स ऑफ इनवर्ट सप्लाईज रिसीव ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग मंथ ऑल्सो सप्लाईज ऑफ अर्लियर मंथ इफ द सेम has not been reported in the relevant month. It will also contain details of the input tax for which ITC cannot be availed. देखो एक बार रीड करके इसको, देखिए अब इस चीज को, GSTR 1 भरने की लास्ट डेट क्या है, मंथली की बात कर रहे हैं हम, क्वार्टरली की नहीं, 11 तारीख, जैसे मान लो मंथ है जुलाई का तो 11 अगस्त करेक्ट, और अगर मैं क्वार्टरली भर रहा हूँ 13 को, और क्वार्टरली वाला हर महीने का डेबिल कर सकता है IFF, IFF की डेट क्या है, 13 ही आएगी ठीक है, अगले महीने की 13 तारीख IFF की करेक्ट। तो गवर्नमेंट से जब सबका GSTR 1 आ जाएगा, IFF आ जाएगा, तो जिस इसका टेस्टेड बनता है सबको हम इन्फॉर्म कर देंगे, इन्फॉर्म करेंगे 2B के थ्रू, तो 2B कब आएगी, ये जो लास्ट डेट है 11 और 13 विषय लेटर, इससे 24 घंटे के अंदर अंदर, तो 14 तारीख को आपके मेल के ऊपर 2B आ जाएगी, अकाउंट खोलेंगे तो अकाउंट में मिल जाएगी, नहीं तो मेल पर आ जाएगी 2B, ये बात तो क्लियर होगी। अब मैंने जून के महीने में सामान खरीदा था, और जिससे सामान खरीदा था गलती से उसने GSTR 1 में रिपोर्ट ही नहीं किया, फिर GSTR 1 में करेक्शन अलाउड है, तो उसने जुलाई के अंदर जो करेक्शन वाली टेबल थी टेबल 9 के अंदर रिपोर्ट कर दिया, तो वो वाला भी मेरा टैक्स क्रेडिट इस वाले 2B में आ गया, कम से वो वाले भी अब आप ले सकते हो, पिछले किसी महीने का रिपोर्ट नहीं किया था, अब रिपोर्ट किया वो भी बीच के अंदर आ जाएगा, तो सारा आप अवेल कर लो। अब 2B के अंदर एक चेंज और आ गया है, वो चेंज ये आ गया, मैं बता रहा हूँ ना सेक्शन 17(5) ब्लॉक्ड क्रेडिट, कि ठीक है आपका बनता, हमने कह दिया नहीं मिलेगा। तो लोगों को पहले कन्फ्यूजन रहती थी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कुछ लोग गलती से इसका ले लेते थे,
तो उसे अब हमने ऐसा कर दिया है कि हम आपको ब्लॉक्ड क्रेडिट भी रिपोर्ट करेंगे 2B में, लेकिन हम इसमें लिखेंगे नॉट अलाउड टू अवेल, इसमें लिखेंगे अलाउड टू अवेल, दो कॉलम आएंगे। ये एक सारी परचेजेज आपकी रिपोर्ट होके आएंगी, जिसका टेस्टमेंट बनता है उसमें लिख देंगे अलाउड, इसमें नहीं बता नॉट अलाउड, ताकि आपको कोई डाउट ना आए, कन्फ्यूजन ना आए, अलाउड वाला ले लेना, नॉट अलाउड वाला छोड़ देना। तो ये इसमें चेंज करके अब दो कॉलम आएंगे, एक अलाउड करेगा एक नॉट अलाउड करेगा, क्योंकि सारे टेस्टेड नहीं मिलते। मान लो रजिस्टर्ड नॉर्मल स्कीम में हो तो भी सारे नहीं मिलते, मोटर कार खरीदी है नहीं मिलेगा, अगर मान लो खाने पीने की चीज़ों पे पैसा खर्च किया नहीं मिलेगा, ठीक है, वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा कि मोटर कार का क्यों नहीं मिलेगा, खाने पीने में क्यों नहीं मिलेगा, वो भी बता दूंगा। पहले एक बार इसको रीड करके देख लो आप इतने पार्ट। वो मैं आपको एक बार ना 17.5 दिखा भी देता हूँ, एक बार थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा ना कहाँ पे है, और क्योंकि आगे वाले पार्ट का थोड़ा आइडिया पहले से ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। वो चैप्टर पूरा है टैक्स क्रेडिट का, पेज नंबर आओ 211 पर। ये वाला जो है ना कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, 211 पर ये चैप्टर इनपुट टैक्स क्रेडिट सेक्शन 3 है, 16, 17, 18, 16, 17, 18 इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये तीन सेक्शन डिटेल में डील कर रहे हैं कि अगर आप टैक्स क्रेडिट लेना चाहते हो तो क्या क्या कंडीशन है। स्टार्टिंग में तो ये लिखा भाई आप रजिस्टर्ड पर्सन होने चाहिए, जो सामान है उसकी इनवॉइस आपके पास आ जानी चाहिए और सामान भी आ जाना चाहिए। फिर आगे चल के 17.5 है जो सेक्शन कह रहा है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई लॉजिक नहीं, हमारी नो मतलब नो, उसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा, हमारी नो मतलब नो। वो है पेज नंबर 224 पे। थोड़ा सा मैं रीड भी कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन गुड्स फॉर विच क्रेडिट इज नॉट अलाउड, दैट इज ब्लॉक्ड क्रेडिट। ब्लॉक ट्रेड 17.5, नो टैक्स क्रेडिट शैल बी अलाउड इन द फॉलोइंग केसेस, टैक्स क्रेडिट इज नॉट अलाउड इन केस ऑफ मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्ट पर्सन प्रोवाइडेड अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी इज नॉट मोर देन 13%, 13 तक की कैपेसिटी है इंक्लूडिंग ड्राइवर नहीं मिलेगा। इफ सीटिंग कैपेसिटी इज मोर देन 13% इन दैट केस टैक्स क्रेडिट शैल बी अलाउड, टैक्स क्रेडिट शैल बी अलाउड वेयर सच व्हीकल इज फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल फॉर सेल्फ यूज सच व्हीकल और फॉर ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर और फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग सच मोटर व्हीकल। Test credit shall also be allowed if any vehicle is given on rent, lease or for hiring for the purpose specified above. Since two-wheeler is covered in motor vehicle for transport person, test credit not allowed, shall not be allowed. If motor vehicle is for transport goods, test credit shall be allowed. Similarly, in case of motor vehicle for other purpose, test credit shall be allowed. For example, JCB machine, road roller, concrete mixed vehicle, tractor, etc. एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, ये पहले रीड कर लो, ये पूरा एक पॉइंट बता दूंगा आपको, तो फिर हेल्प मिल जाएगी कि टेस्टेड हमेशा हर एक का नहीं मिलता, कंडीशंस है। एक रीड कर लो मैं बताता हूँ। देखो अब इसका मीनिंग, मैं घर से आया हूँ यहाँ अपनी कार से, कैपेसिटी मान लो सीटिंग कैपेसिटी है 5, तो बिजनेस के लिए तो हुई कार या पर्सनल हुई? नहीं, मैं पर्सनल तो मैं चलाता ही नहीं, मैं तो यहीं आता हूँ बस और यहाँ से घर जाता हूँ और मैं कुछ करता ही नहीं, मैरिज में मैं जाता ही नहीं और कहीं जाता नहीं, मैं प्योरली बिजनेस के लिए यूज़ कर रहा हूँ ऐसे मान लो, तो बिजनेस के लिए हुई ना। तो बताओ इनकम टैक्स में प्रॉफिट लॉस अकाउंट में इसकी डेप्रिसिएशन डेबिट कर सकता हूँ? यस, हमने डिस्कस किया था। पेट्रोल ड्राइवर यस, सब कुछ कर सकता हूँ। इनकम टैक्स कह रहा है अलाउड है, बिजनेस की क्या प्रॉब्लम है? 17.5 कह रहा है भूल जाओ टैक्स क्रेडिट नहीं देंगे, हम नहीं मानते बिजनेस की है। तो हमने कहा क्यों नहीं मानते? वो कह रहे तुम कह रहे हो बिजनेस के लिए, क्या पता पर्सनल चला रहे हो, हमें क्या पता, और क्या पता तुम यहाँ लेके ही नहीं आते, खाली पर्सनल में ही चला रहे हो, हमें क्या पता।
तो देर आर गुड चांसेज ऑफ मिसयूज, और जहां पर भी मिसयूज के चांसेज है वहां पे गवर्नमेंट ने टैक्स रेट मना कर दिया। तो ये कंसेप्ट इनकम टैक्स का और इसका ऑल टुगेदर डिफरेंट है। इनकम टैक्स कह रहा भी अगर डाउट होगा तो हम चेकिंग कर लेंगे, हेराफेरी करोगे क्या आप पकड़े जाओगे, और जीएसटी कह रहा है हेराफेरी करोगे पकड़े कभी नहीं जाओगे, और हम कहाँ से चेकिंग कर लेंगे, हमारे पास वे आउट है जाओ हम टेस्ट रेट नहीं देते। अब पढ़ने वाला कहता है जी इनकम टैक्स तो इसे बिजनेस का मान रहा है और तुम इसे पर्सनल मान रहे हो, यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है जी ये क्या बात, मैंने इनकम टैक्स में ये करवा रहे जीएसटी में ये करवा रहे, लिखा हुआ है यहाँ। अब 13 से ज़्यादा वाला अलाउड है वो क्यों अलाउड है देख लो पहली लाइन, हाँ जी मोर देन 13 है तो अलाउड है, क्योंकि मोर देन 13 कभी पर्सनल यूज में आ ही नहीं सकता। आप देख लो पर्सनल गाड़ियाँ जो होती है कितने सीटर होगी, 5 सीटर, 7 सीटर, 11 सीटर कर लो, ऐसी कोई फैमिली नहीं होगी जिसके पास मोर देन 13 सीटर हो, क्योंकि फैमिली में कितने बंदे होंगे, 4, 5, 6, 7, और अगर होंगे भी तो वो 2 गाड़ियाँ ले लेंगे, ट्रक नहीं खरीदेंगे, बस नहीं खरीदेंगे। मान लो किसी के घर जाएं और फैमिली बड़ी है, पूछे जी कैसे आए हो, जी बस से आए हैं, बस से डीटी से नहीं, नहीं पर्सनल बस से आए। तो गौ से ये हो ही नहीं सकता। 13 से ज़्यादा मतलब मोर देन क्लियर है, अंडरस्टूड है, ये बिजनेस के लिए ही होगा, ये पर्सनल के लिए हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये कंसेप्ट जीएसटी का है, इनकम टैक्स का नहीं है, इनकम टैक्स का अलग है, इसका अलग है। तो ये 17(5) है, जहाँ दिल में आया ब्लॉक कर दिया, कर दिया। अब मैंने कहा जी मैं तो गाड़ी जो है ओला उबर में चलाऊँगा, टैक्सी, तो क्लियर है बिजनेस के लिए है, वो अलाउड है। लेकिन मान लो मैं अपनी गाड़ी में कहूँ जी मैं पैसेंजर के लिए चलाऊँगा घूम से, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि गाड़ियों में सिस्टम ही होता है अगर पब्लिक के लिए यूज़ करना है तो जब रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तब लिखवाना पड़ता है, और उसके रजिस्ट्रेशन चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, नॉर्मल के 10 जा रहे हैं तो उसके 50 जा रहे हैं, फिर उसकी गाड़ी की जो कलर है वो चेंज करना पड़ेगा, उसकी जो प्लेट का कलर है वो चेंज करना पड़ेगा, तब जाके इसको कमर्शियल माना जाएगा, उस पर टैक्सेस भी ज़्यादा पड़ेंगे। तो उसे ऐसा करो रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन करवा लो, कमर्शियल का अलाउ कर देंगे आपको, फिर तो बिजनेस में ही है, फिर तो मिल जाएगा। अब मैंने कहा नहीं मैं लोगों को गाड़ी चलाना सिखाऊंगा, उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है अलग से, गुम से उसका ही मिल जाएगा। नहीं मैंने बस खरीदी है, गुम से 13 से ज़्यादा तो हम अलाउ कर रहे हैं, मना नहीं कर रहे। नहीं मैं सामान ढोने के लिए ट्रक, गुम से तो क्लियर है बिजनेस के लिए ही होगा, ले लो। मैंने कहा नहीं जेसीबी मशीन खरीदी है खुदाई करने के लिए, वो तो बिजनेस के लिए होगा। तो जहाँ पे मोर देन क्लियर है बिजनेस के लिए है, उसका अलाउड है। अब मारुति के डीलर ने कहा मैं तो गाड़ियाँ सेल परचेज के लिए लिया है, वो तो अंडरस्टूड है। उसे जहाँ बियॉन्ड डाउट क्लियर है कि मिसयूज नहीं हो सकती वहाँ ले लो, जहाँ जरा भी स्कोप है नहीं मिलेगा। ये सेक्शन 75 है, मैं सिर्फ एक पॉइंट आपको करवाया, जब ये सेक्शन हम करेंगे तो मैं पहला पॉइंट आपको नहीं करवाऊँगा, दोबारा रीड करके देख लो, ताकि आपको एडवांस में पता लग जाए कि इस तरह से टेस्टेड में याद भी करना पड़ेगा भाई इसका मिलेगा इसका नहीं मिलेगा। अब आप रीड करके देख लो। अब देखो मोटर कार को दोबारा देखते हैं, मोटर कार दोबारा देखो, क्वेश्चन नंबर 8 देखो अभी इसको, नो टैक्स क्रेडिट शैल बी अलाउड। अब एग्जैक्टली याद करना, ब्लॉक क्रेडिट, अगर गाड़ी खरीदी है लोगों को आने जाने के लिए, इसका मतलब है सामान वाले पे कोई दिक्कत नहीं है, सामान ट्रांसपोर्टेशन पे मैं फिर बता रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है, ना ट्रक पर, ना टेम्पू पर, ना वो गाड़ी अब जिसमें आता है जिसमें लिखा होता छोटा हाथी, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सामान के लिए होती है। और पैसेंजर वाली पर प्रोवाइडेड सीटिंग कैपेसिटी नोट में 13% तक ड्राइवर को मिला के नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पर्सनल यूज इसका हो सकता है, कारण मैंने बता दिया, इट कैन बी यूज इन पर्सनल यूज, स्कोप है पर्सनल यूज का, चांसेज हैं, नहीं मिलेगा। अगर 13 से ज़्यादा गुण से मान के चलो ये कभी पर्सनल यूज में आएगी नहीं, नेवर, कोई फैमिली ऐसी नहीं है जो ऐसी गाड़ी ले ले 13 से ज़्यादा, बल्कि जिसके घर जाओगे वो मजाक उड़ाएगा, वो अप्रिशिएट नहीं करेगा इतनी बड़ी, वो कहेगा अच्छा 15 लोग बैठ सकते हैं ये लेके आए हो, मतलब रेपुटेशन और ख़राब होगी कि पूरी बस लेके आ गए। फिर टेस्ट क्रेडिट
शेल बी अलाउड बेसिस मोटर व्हीकल फर्दर सप्लाई। अगर आप सेल परचेज के लिए गाड़ी लाए हो फिर कोई बात नहीं, वो तो बिजनेस के लिए है, सेल परचेज के लिए। और अगर आप ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर के लिए, यानी आपने कमर्शियल रजिस्ट्रेशन करवाया है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए है, चाहे ओला उबर है वगैरह, मिल जाएगा। ट्रेनिंग दे रहे हो आप गाड़ी चलाने की, मिल जाएगा। टेस्टेड शेल ऑल्सो बी अलाउड व्हीकल इज गिवन रेंट और लीज और हायरिंग स्पेसिफाइड पर्पज, मतलब उसका कमर्शियल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, मिल जाएगा। टू व्हीलर का नहीं मिलेगा, क्योंकि टू व्हीलर में कितने लोग बैठ जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 13 से ज़्यादा नहीं बैठ सकते, ठीक है ना, 13 तक नहीं मिलेगा ना। तो टू व्हीलर में कितने बैठेंगे, 2-3 कर लो, 4 कर लो, 5 कर लो, तो भी क्या हुआ, 13 से ज़्यादा तो है नहीं, 13 तक नहीं मिलेगा। और अगर JCB मशीन वगैरह तो मिल जाएगा। अब फर्स्ट पॉइंट में डाउट पूछ लेना, ठीक है, एक बार अच्छे से रीड कर लो फिर डिस्कस करेंगे, याद कर लो, अच्छे से रट लो। 13% तक टेस्ट रेड नहीं देना, 13 के ऊपर देना है पैसेंजर वाले में। गुड्स वाले में प्रॉब्लम नहीं है, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर गाड़ी सेल परचेज के लिए है कोई प्रॉब्लम नहीं है, जनरल पब्लिक पैसेंजर के लिए है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ड्राइविंग सिखाने के लिए है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। टू व्हीलर का नहीं मिलेगा। आप कोई कहे जी जोमेटो वाला टू व्हीलर नहीं मिलेगा, बिकॉज टू व्हीलर का कभी कमर्शियल यूज़ नहीं होता, वो लोग करते हैं, अलाउड नहीं है। टू व्हीलर का रजिस्ट्रेशन होगा ही नहीं कमर्शियल, वो पर्सनल भी होता है। एक बार रीड कर लो, एक पॉइंट पहले डाउट पूछ लेना, तो फिर 17(5) का आपको आइडिया मिल जाएगा। इस तरह से लेंथी सेक्शन है, सारा याद करना पड़ेगा, इसमें टेस्टेड नहीं मिलेगा। हाँ जी, अब बोलिए डाउट किसको है। हाँ जी बोलो जी। मैंने अभी बोला जोमेटो का टू व्हीलर का नहीं मिलेगा, कमर्शियल में यूज़ कर लेते हैं, होता नहीं है कमर्शियल, सारी बात तो बोल दी। कहाँ थे तुम, अभी तो बोला है। देखो मैं बताता हूँ, एक मिनट, टू व्हीलर का बता रहा हूँ भाई, बता, मुझे पता है तेरे पास टू व्हीलर है, मैं बताता देखो टू व्हीलर क्या ये कमर्शियल यूज़ के लिए इन जनरल बताओ बना हुआ है। इन जनरल पूछ रहा हूँ, इन जनरल बता रहा, कौन सा लोग हैं, लोग हैं जो टू व्हीलर पे बिठा बिठा ले जाते हैं। मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, स्पेशल रेयर की बात नहीं कर रहा, आप रेयर की बात कर रहे हो। सुनो दोबारा सुन लो पूरी बात। टू व्हीलर या फोर व्हीलर इन जनरल पर्सनल यूज़ के लिए होती है, लेकिन फोर व्हीलर को गवर्नमेंट ने कहा चलो कमर्शियल यूज़ के लिए अलाउ कर देंगे, आपको रजिस्ट्रेशन करवाते हुए बताना पड़ेगा, उसको अलग से उसका कलर देंगे आइडेंटिफाई करने के लिए। टू व्हीलर का गवर्नमेंट की तरफ से यूज़ अलाउड नहीं है, लेकिन मैंने कहा मैं हर रोज़ यहाँ से टू व्हीलर से निकलता हूँ, एक सवारी मिल जाए तो क्या बुरा है, तो मैंने टू व्हीलर रोका और किसी को कहा भैया बैठ जा, इतने पैसे ले लेंगे। तो गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया, मैंने किया है। प्लस अपनी पर्सनल व्हीकल में किसी भी आउटसाइडर को बिठाना अलाउड नहीं है। अगर ट्रैफिक पुलिस ने देख लिया, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, चालान कर देंगे, आपने अननोन पर्सन को क्यों बिठाया और क्यों पैसा लिया, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट टैक्स ज़्यादा लेती है। अब रही बात कि कुछ ट्रैवल वाले, ओला उबर वाले या वो रैपिडो वाले जो भी है, उन्होंने इसको कमर्शलाइज करने की कोशिश की है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ मना कर दिया, कमर्शलाइजेशन इज नॉट अलाउड, बिकॉज आप उसको व्हीकल पे बिठा के पता नहीं कहाँ ले जाओ और कहाँ दे मारो, क्या वो कौन जिम्मेवार है इस चीज़ का, ठीक है। फिर मैं बात बताता हूँ आपको, पूरी बात सुनिए। लेकिन जो हिली एरियाज है, हिली एरियाज, अगर मैं हिली एरियाज की बात करूँ, पहाड़ों पर, वो पहाड़ों पर बहुत सारे लोग जिनके पास कोई व्हीकल नहीं है, दे आर हेल्पलेस, कैसे जाएं, तो वहाँ पर ये टू व्हीलर वाले एक सवारी को बिठा करके ले जाते हैं। वो ऑफिशियल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, वो पर्सनल लेवल पे है। पर्सनल लेवल पे तो मैं अपनी गाड़ी में बिठा के ले जाऊँ किसी को, क्या पता लगे। लेकिन वो अलाउड, हम तो जो अलाउड है उसकी बात कर रहे हैं, अपनी गाड़ी में नहीं बिठा सकते हम, बिठा सकते हैं। और मैंने इससे बात की थी जन से कि 100 रुपये पर डे, मतलब आने का, 100 रुपये जाने का, तो किसी को क्या पता लगेगा, ये तो मेरे इसके बीच की बात है। मैं कहूँगा नहीं, मेरा फ्रेंड है, कोई रोकेगा तो इसलिए टू व्हीलर का अलाउड नहीं है। अब आप में से जो कुछ कहना चाहता है बताए। हाँ जी दिवित, बताओ क्या कहना चाह रहे हो। मैं कहता रहा हूँ भाई, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एज पर लॉ अलाउड नहीं हैं और चल रही हैं,
मैंने एग्जांपल दिया था नो स्मोकर्स एक्ट, दिल्ली के अंदर ही एक्ट है, किसी पब्लिक प्लेस पर आप स्मोकिंग नहीं कर सकते। आप कोई पब्लिक प्लेस देख लो, सब पे स्मोकिंग, पुलिस वाले खुद खड़े होकर स्मोकिंग कर रहे होते हैं। तो लॉ अलग बात है, फॉलो करना अलग बात है। बहुत जगह पे गवर्नमेंट लीनियंट हो जाते हैं, कोई बात नहीं। हम मान लो जैसे कोचिंग सेंटर के नए रूल आ गए हैं ये वाले, उसमें ये भी लिखा है हर कोचिंग सेंटर को फायर डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। अगर ये सारे रूल फॉलो करेंगे ना, पूरे कंट्री में एक भी कोचिंग सेंटर नहीं मिलेगा, ये बात क्लियर है। फिर सारे बच्चों का करियर कहाँ जाएगा? ये जितने भी IAS बने हैं, IPS बने हैं, बड़ी बड़ी पोजिशन में सब कोचिंग सेंटर से ही निकले हुए हैं। अगर ये कोचिंग सेंटर ना हो, बहुत मुश्किल हो जाएगा। जितने बड़े बड़े इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, सब कोचिंग सेंटर से निकले हुए हैं। और जो बैठ के कानून बना रहे हैं, वो भी सब कोचिंग सेंटर से निकले हुए, उनको पता है। चलो अब इधर ध्यान दो आप, अब टू व्हीलर की बात कोई मत करना, जो बात है मैंने बता दी। अब कोई टू व्हीलर पे बिठाता रहे। अब आप इसमें डाउट पूछो फर्स्ट पॉइंट में। हाँ जयंत, डाउट पूछ रहे थे फर्स्ट पॉइंट में, डाउट बोलो किसी को, वापिस आइए भाई। ये बात मैं सही कह रहा हूँ? देखो जिसके बच्चे हैं वही जानता है बच्चों के लिए पढ़ाना कितना जरूरी है, कोचिंग कितनी जरूरी है। जो कुछ भी सीख के आ रहे हैं आज की डेट में बच्चे, सब कोचिंग सेंटरों से ही सीख रहे हैं। चाहे IAS का ले लो, चाहे IPS का ले लो, चाहे डॉक्टर का ले लो, चाहे इंजीनियर का। ये बड़े बड़े जितने भी इंजीनियर हैं सबसे पूछ लो, सब कोचिंग करके आए हैं। किसी भी IAS IPS ऑफिसर पूछ लो, कोचिंग करके आया। और किसी भी CA से पूछ लो, 90% से ज़्यादा कोचिंग करके आए हैं। तो कोचिंग वाले, अब ये पॉलिटिशियंस को क्या समझ में आए कोचिंग सेंटर में क्या हो रहा है? बच्चों को लगातार बिठाना 4-4 घंटे, 6-6 घंटे, ये भी तो डिसिप्लिन सिखा रहा है बच्चों को, उनका स्टेमिना बढ़ा रहा है। इतने कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें समझा रहे हैं, उनको समझने का तरीका बता रहा है। क्लास में कैसे बैठते हैं बिहेव करना सिखा रहा है, फ्रेंड से कैसे मिलते हैं सब सिखा रहा है, 10 बातें और सिखा रहे हैं। टाइम पे आना सिखा रहा है, मोबाइल पे बात ना करना सिखा रहा है, आपस में बात ना करना सिखा रहा है, बहुत कुछ सिखा रहा है। कोचिंग इतना कुछ सिखा रहा है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। अब ये क्या समझे, पॉलिटिशियन को क्या पता क्या सिखा रहा है? आप जानते हो, हम जानते हैं कितनी मेहनत लगती है यहाँ पे आना, पढ़ना, सीखना। अब तेरा यस भी नो के बराबर होता है। अच्छा पेज नंबर IA88। क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा 2B में किसी को डाउट है बोलो। पेज नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन फाइलिंग ऑफ फर्स्ट रिटर्न। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज मेड आउट सप्लाईज इन द पीरियड बिटवीन द डेट ऑन विच ही बिकेम लायबल टू रजिस्ट्रेशन टिल द डेट ऑन विच रजिस्ट्रेशन हैज बीन ग्रांटेड शैल डिक्लेयर द सेम इन द फर्स्ट रिटर्न फर्निश्ड बाय हिम आफ्टर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। When a person becomes liable to registration after his turnover crossing the threshold limit, he may apply for registration within 30 days of so becoming liable. Thus, there might be a time lag between a person becoming liable to registration and the grant of registration certificate. During the intervening period, such person might have made the outward supplies, that is after becoming liable to registration, but before grant of certificate registration. Now, in order to enable such registered person to declare the taxable supplies made by him for the period between the date on which he became liable to registration till the date on which registration has been granted, so that ITC can be availed by the recipient on such supplies. Firstly, the registered person may issue revised tax invoices. Chalo, itna hi read kar lo, fir main baki pehle bataunga, fir read karna. Dekho, iska meaning pehle main bata deta hu aapko. Dekhiye, meri turnover 40 lakh cross kiya hai 10 July 2023 ko. शॉप है मेरी गुड्स की, ठीक है, तो क्या मुझे रजिस्ट्रेशन करवाना है? 40 लाख क्रॉस करिए करवाना है, कौन सा फॉर्म भरना है? REG 1। तू क्या कह रहा था? RTC REG 1, ठीक है। और सर्टिफिकेट मिलेगा कौन से फॉर्म में? तू बता बेटा, रिपीट वाले फॉर्म नंबर बता, 6 पूरा फॉर्म नंबर बोलना कितना था? REG 06, ठीक है, 6 था। चलो सर्टिफिकेट मिल जाएगा इसमें। तो जैसे 10 तारीख को क्रॉस किया तो मैं तुरंत चला जाऊँ रजिस्ट्रेशन करवाने? नहीं, उससे इतनी भी कोई जल्दी नहीं है, 30 डेज का टाइम है, आराम से अप्लाई कर देना, ले लेना, 30 डेज का टाइम मिलेगा। तो मैंने अप्लाई कर दिया 25 जुलाई को, बिल्कुल ठीक है, कोई पेनल्टी कुछ नहीं कर सकते हैं 30 डेज में। ये भी पार्ट रजिस्ट्रेशन का है, बीच में आ रहा है रिटर्न के साथ में। सर्टिफिकेट मुझे मिला 28 अगस्त को, तो ये कब से एप्लीकेबल माना जाएगा? ये पार्ट बीच में आ रहा है, रजिस्ट्रेशन का है, पार्ट बीच में आ रहा है, इफेक्टिव 10 जुलाई से माना जाएगा।
10 जुलाई से, जिस दिन आप लायबल थे रजिस्ट्रेशन के लिए उसी दिन से रजिस्टर्ड माने जाओगे अगर आपने 30 डेज में अप्लाई कर दिया है। अगर 30 डेज में अप्लाई नहीं किया, 30 डेज के बाद किया, तो जिस दिन सर्टिफिकेट मिलेगा उस दिन से रजिस्टर्ड माने जाओगे। अगर आप 30 डेज में अप्लाई कर दोगे तो इफेक्टिव डेट क्या होगी, द डेट ऑन विच यू हैव बिकम लायबल टू रजिस्ट्रेशन, और 30 डेज के बाद अप्लाई करोगे तो एक्चुअल डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विल बी द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये पार्ट रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में है लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आ रहा है, इसके बिना ये बात समझ में नहीं आएगी। रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में हम दोबारा भी रीड करेंगे, मैं वैसे अभी बीच में भी रीड करवाऊंगा आपको, इसमें अभी और बातें काफ़ी हैं। जिस दिन लिमिट क्रॉस करेगी, थ्रेशोल्ड लिमिट, लिमिट कह लो लेकिन एक्ट में वर्ड थ्रेशोल्ड लिमिट लिखा हुआ है, थ्रेशोल्ड शायद एक बार पहले ही बात हुई थी, है ना, एंट्री पॉइंट थ्रेशोल्ड, तो 40 क्रॉस करें और सर्विसेज में 20 लाख क्रॉस करें। रजिस्ट्रेशन करवाना है, अप्लाई करना है REG 1 में, सर्टिफिकेट REG 36 में आएगा, कितने डेज में, 30 डेज में। अगर 30 डेज में कर देंगे, सर्टिफिकेट कभी भी आए माना इफेक्टिव यहाँ से जाएगा, 30 डेज के बाद करेंगे जिस दिन सर्टिफिकेट मिला है वहाँ से इफेक्टिव माना जाएगा। करेक्ट, इतनी बात क्लियर होगी। अब ये सर्टिफिकेट यहाँ मिला, इफेक्टिव यहाँ से है, मैंने बीच में मैंने GST चार्ज ही नहीं किया, मेरे पास सर्टिफिकेट था ही नहीं, बिना रजिस्ट्रेशन के नो वन इज अलाउड टू चार्ज GST, मैंने चार्ज ही नहीं किया। अब इफेक्टिव कर दिया यहाँ से, अब गवर्नमेंट से चार्ज करो। मैंने कहा आप कैसे चार्ज करूँ, जिसको सामान बेच दिया उसको मैं कहाँ से बुला के लाऊँ कि GST दो। तो पहली बात तो ये प्रोविजन ही गलत है, ये यहीं से होना चाहिए, लेकिन है। तो जब गवर्नमेंट को मैं क्या करूँ, गवर्नमेंट से ऐसा करो यहाँ से लेके यहाँ तक रिवाइज इनवाइस इशू कर दो, जिस जिसको सामान बेचा था उसको नई इनवाइस बना के दे दो, GST चार्ज कर लो। रिवाइज से इनवाइस तो बन जाएगी लेकिन GST कौन देगा, कोई भी नहीं देगा, वो कहेगा ले रहा था तो तभी लेते, और तब ले नहीं सकते थे क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं है। सेक्शन 23 के अंदर लिखा हुआ है क्लियरली कि कोई 33 के अंदर लिखा हुआ है क्लियरली कोई पर्सन बिना रजिस्ट्रेशन के GST नहीं ले सकता। तो ये इफेक्टिव यहाँ से होना चाहिए था, लेकिन ध्यान रखना वहाँ से है, यहाँ से यहाँ तक का GST हम चार्ज नहीं कर सकते, लेकिन ध्यान रखना लिखा हुआ चार्ज करना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक रिवाइज इनवाइस इशू कर देना। अब जो हमने GST R1 भरनी है वो कहाँ से भरनी है, GST R1 कहाँ से भरना शुरू करें, मैं तो यहाँ से करूँगा, इसका तो जब रजिस्टर्ड नहीं था गुम से, नहीं वो वहाँ से भरनी है आपको। तो ऐसा करो 10 जुलाई से 28 अगस्त तक की तो अलग भर दो GST R1 और 3B, उसके बाद नॉर्मल आ जाएगी, और जो ये जो भरोगे इट विल बी कॉल्ड फर्स्ट रिटर्न। तो हमारा क्वेश्चन ये है व्हाट इज़ फर्स्ट रिटर्न, फर्स्ट रिटर्न होती है जिस दिन आप लायबिलिटी रजिस्ट्रेशन हो और जिस सर्टिफिकेट मिला, इस पीरियड की एक रिटर्न जाएगी, 3B भी एक जाएगी, उसके आगे नॉर्मल चलेगी। यानी 28 अगस्त से 31 अगस्त तक की GST R1 अलग जाएगी 11 सितंबर को, और ये अलग जाएगी, 3B भी अलग जाएगी, और ये क्या कहलाएगी, फर्स्ट रिटर्न। तो मैं अभी आपको रजिस्ट्रेशन से भी सारा पार्ट रीड करवा दूंगा एक बार, अब क्वेश्चन रीड करो टू ए गुड एक्सटेंट समझ में आएगा, पूरा नहीं टू ए गुड एक्सटेंट समझ में आएगा, पढ़ के देख लो फर्स्ट रिटर्न, कंसल्टेशन से रीड करना पूरा। देखो अब दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, मैं आपको इसको रजिस्ट्रेशन से पढ़वाता भी हूँ, रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर से मैं रीड करवाता हूँ आपको, फिर जब वहाँ करेंगे ना बाद में तो फिर वो वाला पार्ट नहीं करेंगे। पेज नंबर आइए 153, यहाँ से रीड करते हैं इश्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यहां से रीड करते हैं इश्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पेज 153 पर, ऊपर के दो छोटे पैराग्राफ छोड़ दो, मिल गया ना हेडिंग, इश्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 153 पेज पर, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी ग्रांटेड फोन नंबर REG 06 इफ द सप्लायर हैज मोर देन वन ब्रांच इन ए स्टेट और यूनियन टेरिटरी, ही विल गेट वन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड ऑल प्रोसीजर सप्लायर शैल बी mentioned in the certificate. The supplier shall be allotted goods and service tax identification number and will consist of two characters of the state code,
10 characters of the permanent account number or tax deduction collection account number, 2 characters of the entity code, 1 checksum character. पहले इतना रीड करो, इसको डिस्कस करेंगे. देखिए, मेरा हेड ऑफिस भी है दिल्ली में और ब्रांच भी है. इसकी टर्नओवर है गुड्स की 37 लाख, इसकी टर्नओवर है 10 लाख. क्या मुझे रजिस्ट्रेशन करवाना है? मतलब टर्नओवर हेड ऑफिस ब्रांच की मिला के देखनी है कि अलग अलग देखनी है? मिला के देखनी है, कंबाइंड, क्योंकि पर्सन तो एक ही है ना. तो रजिस्ट्रेशन करवाना है हेड ऑफिस का या ब्रांच का? दोनों का. तो उसे आपके पास ऑप्शन है, आप एक करवा लो, वही सर्टिफिकेट इसमें लग जाएगा, वो इसमें लग जाएगा. आप चाहो दो करवा लो, आपकी मर्जी है. एक भी करवा सकते हो, दो भी करवा सकते हो. तो मैं एक करवाऊँ के दो? एक के दो. कितना समय लगता है एक, कितना समय लगता है दो, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? वो तो एक ही बात है, पड़ेगा कुछ फ़र्क? देखो, दो करवाएंगे तो दो बार GSTR बन जाएगी, दो बार 3B जाएगी, दो बार GSTR 9 जाएगा, दो बार स्कूटी में आएगा, सारे काम डबल 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 डबल, क्या जरूरत है, एक ही करवाएंगे. ठीक है. अब मेरी एक ब्रांच यूपी में भी है, इसकी टर्नओवर है 18 लाख. अब क्या इसका भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा या इस स्टेट का टर्नओवर अलग देखेंगे, उस स्टेट का अलग देखेंगे? स्टेट वाइज देखेंगे या कंट्री वाइज देखेंगे? कंट्री वाइज. इसमें टर्म है एग्रीगेट टर्नओवर, 2 ब्रैकेट 6 एग्रीगेट टर्नओवर, पूरे कंट्री की टर्नओवर. पूरे कंट्री की टर्नओवर 20 या 40 करोड़ हुए तो पूरे कंट्री में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा. विद इन सेम स्टेट आप एक करवा सकते हो, लेकिन दूसरी स्टेट को मर्ज नहीं कर सकते. इसका अलग होगा, इसका अलग. यानी दो करवा लो, एक यूपी का, एक दिल्ली का. या दिल्ली में ही दो करवा लो, दो इधर और एक इधर, 3. यानी 3 करवा लो या 2, कम से कम 2 तो करवानी पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ जो टैक्स चार्ज करेंगे वो यूपी गवर्नमेंट को देंगे, इनका रजिस्ट्रेशन अलग होगा. यहाँ जो टैक्स करेंगे दिल्ली को देंगे, इनका अलग होगा. दोनों को मिला के कैसे कर सकते हैं? हो ही नहीं सकता. तो दो स्टेट का मिला के नहीं हो सकता. एक स्टेट में चाहे 10 ब्रांच हो, चाहे 1 करवा लो. और एग्रीगेट टर्नओवर लेना पूरे कंट्री का. इस स्टेट में जो स्टेट की लिमिट है 40 लाख की, मैं बता रहा हूँ गुड्स में. कुछ स्टेट्स में ये लिमिट गुड्स में ही 20 लाख है, कुछ स्टेट्स में गुड्स में 10 लाख है. 10, 20 और 40 तीन कैटेगरी हैं. मान लो इस स्टेट के अंदर 10 लाख है, तो अगर सारा मिला के 10 करोड़ हो जाएगा तो सब जगह रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा. इस स्टेट के अंदर 10 करोड़ के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना है. मान लो इसमें तो 18 है, इसमें 5 है, इसमें 2 है, इसमें भी करवाना पड़ेगा, इसमें भी करवाना पड़ेगा. जो लोएस्ट लिमिट है वो लगेगी. जैसे मैं कहता गुड्स और सर्विस दोनों है, गुड्स की 40, उसकी 20, तो लोअर लगेगी 20. मान लो गुड्स में भी जो नॉर्थ ईस्टर्न की स्टेट्स है उसमें 10-10 लाख के ऊपर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है. हमारे यहाँ बिजनेस है ही नहीं, हमारे यहाँ बड़ी बड़ी दुकान कहाँ, छोटी छोटी दुकान है. अगर हमने लिमिट 40 लाख ली तो हमारी तो पूरी स्टेट में कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाएगा, GST मिलेगा ही नहीं. तो सेंट्रल गवर्नमेंट का आपकी मर्जी है, आपको 10 करना 10 कर लो, जिसको स्टेट को 10 करना 10 कर लो. जो इस तरह की स्टेट्स है पंजाब हरियाणा, इस तरफ की दिल्ली यूपी मध्य, सब में 40 है. इधर बिजनेस बहुत है, त्रिपुरा मणिपुर मिजोरम, इनमें कहाँ बिजनेस है, सिर्फ एग्रीकल्चर ही है. तो जो लोएस्ट लिमिट है वो लगेगी. जी मैं रजिस्ट्रेशन का पार्ट एडवांस में बता रहा हूँ आपको, जो इसमें लिखा हुआ भी आ रहा है. अब अप्लाई कर दिया तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 15 डिजिट GST होगा. GST मतलब GST आइडेंटिफिकेशन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर इनकम टैक्स का, इसका क्या है, GS10, GST आइडेंटिफिकेशन नंबर 15 डिजिट का. पहले 2 डिजिट बताते हैं स्टेट कौन सी है. जैसे 07 दिल्ली का है, दिल्ली में आप किसी से भी सामान ले लो, सबके नंबर में लिखा होगा आगे 07, ये दिल्ली का है. यानी अगर आपने स्टेट गवर्नमेंट को कंप्लेंट करनी है तो 07 को होता है, दिल्ली को करना. कहीं 07 वाले की यूपी को कर दी तो कोई नहीं सुनेगा, 07 वाले की हरियाणा को कर दी कोई नहीं सुनेगा. तो 07 का अदर है दिल्ली का है. फिर 10 कैरेक्टर आएंगे परमानेंट अकाउंट नंबर के, फिर 2 आएंगे एंटिटी के लिए, ये इंडिविजुअल है, पार्टनरशिप फॉर्म है, कंपनी वगैरह वगैरह. 1 उनका अपना अपने हिसाब से निकालते हैं, वो उसका क्या सिग्निफिकेंस है उन्हीं को पता है. कैसे निकालते हैं वो, उनको चेकसम कैरेक्टर उसको बोलते हैं. ठीक है, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो गया. पहले इतना पार्ट एक बार रीड करके देख लो. REG 6 में मिलेगा सर्टिफिकेट.
अब देखो इस बात को दोबारा, सर्टिफिकेट किसमें मिलेगा? आरईजी 6 में। टर्नओवर पूरे इंडिया की देखनी है, स्टेट वाइज नहीं देखनी, पूरे इंडिया की देखनी है, एग्रीगेट टर्नओवर। डेफिनेशन है इसकी, 2(6) में बाद में आएगी। और अगर इन सारी स्टेट्स में जिसकी भी सबसे कम लिमिट है वो देखनी है, वो क्रॉस करने पर सारी स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। विद इन द सेम स्टेट एक करवा लो, ज़्यादा करवा लो, आपकी मर्जी, ठीक है। अब वो वाली बात कि अगर अप्लाई किया है सर्टिफिकेट कब से मिलेगा वगैरह वगैरह, वो आगे है। देखिए इफेक्टिव डेट, आगे देखिए इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सर्टिफिकेट मिला है किसी और डेट को, एप्लीकेबल किसी और डेट से होता है। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इफ एप्लीकेंट हैज सबमिटेड एप्लीकेशन विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज, ही विल बी कंसिडर्ड रजिस्टर्ड फ्रॉम द डेट ऑन विच ही बिकम्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। अगर वो 30 डेज में अप्लाई करेगा तो रजिस्ट्रेशन कब से माना जाएगा? जिस दिन वो एलिजिबल हुआ था। लायबल टू रजिस्ट्रेशन वर्ड बोलते हैं, लायबल टू रजिस्ट्रेशन का मतलब है आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। और अगर 30 डेज के बाद हो तो इफ यू गिवन 30 डेज, इफेक्टिव डेट शैल बी द एक्चुअल डेट ऑफ ग्रांटिंग रजिस्ट्रेशन। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, इन केस ऑफ मिस्टेक सप्लाइंग गुड्स लिमिट ऑफ 40 लाख एक्सीडेड 10 अगस्त 22, अप्लाइड 20 अगस्त, देखो 30 डेज में अप्लाई कर दिया, रजिस्ट्रेशन 30 अगस्त को मिला है, मिलता रहे, एप्लीकेबल 10 से ही माना जाएगा। इन दिस केस इफेक्टिव डेट शैल बी 10 अगस्त 22। बट इफ यू अप्लाइड 15 सितंबर 30 डेज के बाद, रजिस्ट्रेशन वाज ग्रांटेड 25 सितंबर, तो रजिस्ट्रेशन 25 सितंबर से माना जाएगा। टर्नओवर ऑफ मिस्टेक सप्लाइंग गुड्स ऑन 10 अगस्त 22 इज 35 लाख, अप्लाइड फॉर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन वाज ग्रांटेड 25 अगस्त 22, इन दिस केस रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव 25 अगस्त 22। बट इफ टर्नओवर एक्सीड 40 लाख 20 अगस्त, इन दिस केस एप्लीकेंट शैल इन्फॉर्म डिपार्टमेंट फॉर चेंज ऑफ कैटेगरी REG4, रजिस्ट्रेशन शैल बी एप्लीकेबल। ये पार्ट अभी मैं बताता हूँ, 2 नंबर 1 नंबर तक पढ़ दो आप, पैराग्राफ और 1 नंबर, 2 नंबर मैं बता रहा हूँ अभी आपको। देखो अब इसका मीनिंग, 40 लाख मेरे क्रॉस हुए 20 अगस्त को, कब तक मुझे अप्लाई करना है? 30 डेज। मैंने अप्लाई किया है 15 सितंबर को, ठीक है, 30 डेज में हो गया ना। उसके बाद मेरा सर्टिफिकेट आया है 4 अक्टूबर 23 को, कब से अप्लीकेबल है? 20 अगस्त से। ठीक, मैंने अप्लाई किया है 25 सितंबर 23 को, सर्टिफिकेट इसी डेट को आया है, कब से अप्लीकेबल है? 4 अक्टूबर 23। कोई डाउट नहीं ना, 30 डेज के बाद यहाँ से। अब लेट्स सी, मेरी टर्नओवर ही क्रॉस नहीं की 40 लाख, टर्नओवर ही 35 लाख है, वॉलेंट्री अप्लाई किया, वॉलेंट्री अप्लाई होता है सेक्शन 25(3) में, वॉलेंट्री। ये अप्लाई किया मैंने 15 सितंबर 23 को और सर्टिफिकेट मिला 4 अक्टूबर 23 को, कब से अप्लीकेबल है? जिस दिन सर्टिफिकेट मिला वहीं से, वॉलेंट्री में, उसे आप वॉलेंट्री ले रहे हो तो फिर कब से अप्लीकेबल होगा? जब सर्टिफिकेट मिल जाएगा अप्लीकेबल हो गया। बैक डेट से कहाँ से करेंगे? बैक डेट से कोई मतलब ही नहीं है, उसकी तो लिमिट क्रॉस कर गई थी इसलिए वहाँ से किया, आपका नहीं है, आपका तो जिस दिन आप सर्टिफिकेट मिलेगा उसी दिन वहीं से होगा, करेक्ट। एक पार्ट तो बीच के अंदर ये आ रहा है वॉलेंट्री, एक बीच में और भी आ रहा है कि लेट्स सी, मैंने 15 सितंबर 23 को वॉलेंट्री अप्लाई किया 25(3) में, उस समय मेरी टर्नओवर 39 लाख थी, 40 क्रॉस होने वाली थी, और जब मैंने अप्लाई कर दिया उसके 2 दिन बाद ये 40 लाख हो गई, 40 लाख। तो जो वॉलेंट्री में अप्लाई करेगा, अगर सर्टिफिकेट अभी नहीं आया, लिमिट क्रॉस कर गई, तो उसकी ड्यूटी है वो गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर दे, मेरी कैटेगरी बदल दो, वॉलेंट्री से कंपलसरी में कन्वर्ट कर दो। इमीडिएटली REG फॉर्म भरना होता है, इन्फॉर्म करने के बाद अभी ये कन्वर्ट हो गया किसके अंदर? कंपलसरी में। अब ये सर्टिफिकेट आया लेट सी 25 सितंबर 23 को, तो ये कब से एप्लीकेबल है? 17 सितंबर 23 से, जिस दिन लिमिट क्रॉस किया और हमने इन्फॉर्म कर दिया इस कैटेगरी को चेंज कर बदल जाएगा। इतना पार्ट यहाँ लिखा हुआ है, ये पॉइंट नंबर 2 है ये वाला पार्ट। अब 1 और 2 दोनों रीड कर लो, कोई जल्दी नहीं है, आराम से रीड कर लो और आपस में आप डिस्कस भी कर लो, जो भी पार्ट डिस्कस कर लो, डिस्कस कर लो मतलब जो टॉपिक चल रहा है वो, कोई और नहीं, कुछ और नहीं, कुछ और डिस्कस करने वाले का फेस बता देता है कि कुछ और डिस्कस हो रहा है, ये डिस्कस कर लो रजिस्ट्रेशन का पार्ट आपस में, थोड़ी थोड़ी बात करते रहो, लेकिन ये डिस्कस करना है। किसी ने कुछ और डिस्कस किया, मैं फेस देख के बता दूंगा कुछ और डिस्कस हो रहा है, उसको फिर मुझसे डिस्कस करना पड़ेगा वो क्या डिस्कस कर रहा है।
आपस में डिस्कस इसलिए करना होता है, कुछ पॉइंट क्लियर नहीं होते ना तो आपस में डिस्कस करके क्लियर हो जाते हैं, याद भी हो जाते हैं फिर वो। इसे थोड़ा थोड़ा आपस में डिस्कस करना, जंत की तरह ऐसा नहीं बोलते ही जाओ लगातार, ना इधर वाले को चैन से बैठने दो ना उधर वाले को बैठने दो, ऐसे भी डिस्कस नहीं करना, थोड़ा थोड़ा कर लीजिएगा। आपस में डिस्कस करके दोनों स्टूडेंट का अगर ये कंक्लूजन है कि डाउट है तो फिर आप पूछ सकते हो। दोनों बच्चे कह रहे पूछा ये क्या वगैरह, ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आई, मुझे भी समझ में नहीं आया, तो फिर तो डाउट होगा। हाँ जी अनुष्का, हाँ बनाया है, पेनल्टी है, लेकिन मैंने बताया था पेनल्टी सिलेबस में नहीं है, मैंने बोला था ना पेनल्टी प्रोसिक्यूशन ना इनकम टैक्स में सिलेबस ना इसमें है, बिल्कुल है, सेक्शन 73, 74, 75 पेनल्टी सेक्शन है, पेनल्टी लगेगी, 30 डेज निकलने के बाद अप्लाई करेगा बिल्कुल पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी कितनी वो सिलेबस में नहीं है, वो आपको सेक्शन 3 पढ़ने पड़ेंगे 73, 74, 75। एक ये भाई गलती हो गई, एक ये अभी जानबूझ के गलती होगी 73 लगेगा, जानबूझ के 74 लगेगा। तो बंदा कह रहा जी मुझे पता ही नहीं था, मुझे तो अब पता लगा है 40 लाख की भी बात है और लग भी रहा है जेन्युइन है, तो 73 की थोड़ी पेनल्टी लगेगी, नहीं तो ज़्यादा लगेगी। नहीं उसमें डाउट पूछो दोबारा, क्या उसमें से एग्जैक्ट वर्ड निकालो कि सर ये बताओ इसका क्या मतलब। हाँ सेकंड पॉइंट को पढ़ के उसमें से डाउट निकालो ना, जो कहता ना ये समझ में नहीं आया समझो उसने पढ़ा ही नहीं, पढ़ अच्छे से उसमें से पॉइंट निकाल। सेकंड पॉइंट के एग्जांपल ये रहे सारे, इसमें से बता क्या समझ में नहीं आया, ये साफ साफ लिखा हुआ ये रहा और ये रहा। तूने कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ा भाई, बहुत कंसंट्रेशन से पढ़ना पड़ेगा, दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा तो तुझे पकड़ में आ जाएगा क्या नहीं समझ में आया, और तू बिल्कुल भी एफर्ट नहीं करेगा तो तुझे लगेगा कुछ भी समझ में नहीं आया। सर 17 सितंबर से यहाँ पर फिर से वो 30 डेज वाली बात देखो वॉलेंट्री में, और इसके बाद उस पर आता हूँ। वॉलेंट्री में पहला प्रिंसिपल क्या है, जिस दिन सर्टिफिकेट मिलेगा वहीं से एप्लीकेबल होगा, इस बात में पहले किसी को डाउट। जबकि कंपलसरी में, कंपलसरी है, कंपलसरी में अगर आप 30 डेज में अप्लाई करोगे, सर्टिफिकेट कभी भी आए जिस दिन लायबिलिटी रजिस्ट्रेशन वहाँ से माना जाएगा, और 30 डेज के बाद अप्लाई किया जिन सर्टिफिकेट आया, पहले इसमें डाउट देखो। वॉलेंट्री अप्लाई किया मैंने 15 सितंबर को, उस दिन मेरा 39 लाख है, मैं तो वॉलेंट्री में हूँ, जिस दिन आएगा उसी दिन से माना जाएगा। सर्टिफिकेट आया नहीं और लिमिट 40 लाख क्रॉस कर गई, तो मेरी ड्यूटी है कि मैं इन्फॉर्म कर दूँ, तो मैंने 17 सितंबर को इन्फॉर्म कर दिया जी मेरी कैटेगरी बदल दो, मैं वॉलेंट्री में नहीं हूँ, मैं कंपलसरी में हूँ, बदल गई कैटेगरी। बदलने के बाद यही रूल तो लगेगा, बदलने के बाद सर्टिफिकेट आया 25 सितंबर, तो कब से इफेक्टिव माना जाएगा, 17 सितंबर से, क्योंकि कंपलसरी की कैटेगरी आ गई। लायबल टू रजिस्ट्रेशन 17 सितंबर, यहाँ भी लायबल टू रजिस्ट्रेशन, सेम प्रिंसिपल हो गया, तो बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट वाली बात ही नहीं है 1% भी। तो डाउट पूछने का तरीका क्या होता है, पहले उस बात को अच्छे से पढ़ो, उसमें से डाउट निकालो, ये है नहीं समझ में आया, समझो उस बच्चे ने पूरी एफर्ट्स किया और उसने निकाल लिया क्या समझ में नहीं आया। और जो कह रहे हैं ना ये पॉइंट रिपीट कर दो, मतलब वो बच्चे वो होते हैं जिन्होंने बिल्कुल कुछ पढ़ा ही नहीं, सीधा अरे ये क्या है सर रिपीट कर दो वो बच्चे भाई देखो जितनी एफर्ट्स मुझे करनी है उतनी एफर्ट्स आपको भी करनी है, तो इतना आसान तो है नहीं, मतलब दोनों को जान फूकनी है तब चीज़ समझ में आएगी, और एक बार समझ में आ गई तो दिमाग में ऐसी घुस जाएगी फिर बाहर नहीं निकलेगी, फिर एग्जाम तक याद रहेगी। मतलब बहुत कंसंट्रेशन से स्टडी करना है, बहुत कंसंट्रेशन से वो करना है तो बात बनेगी। तो सारे बच्चे तो कंसंट्रेशन से पढ़ते हैं, एक आध कोई स्टूडेंट होता है जो कंसंट्रेशन नहीं करता, तुम्हारी बात नहीं कर रहा मैं, तू तो पूरा कंसंट्रेशन से पढ़ता है, मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ जनरल में। अच्छा आपको समझ में आ गया पॉइंट नंबर 2, अभी भी समझ में नहीं आया ना, ये रहा पॉइंट नंबर 2, इधर आओ बताओ क्या समझ में नहीं आया। पॉइंट नंबर 2 में ये लिखा है ना जो मैंने बताया, हाँ जी बोलो जी, पॉइंट नंबर 2 में क्या है, यही है ना सब कुछ, और कुछ नया तो नहीं ना,
तो ये तो ये रहा पॉइंट नंबर टू। पॉइंट नंबर टू ये है तो सर इधर इसमें से बताओ क्या समझ में आया, इधर आ जाओ यहाँ के बता दो। हाँ जी बोले, ये समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक बार और बता दूँ। आ गया सबको? फिर भी रिपीट कर देता हूँ। चलो 15 सितंबर आपकी टर्नओवर बोलो कितनी है, लाउडली बोलो यार, ऐसे दबी दबी आवाज में बोलोगे मज़ा नहीं आता है। 39 लाख। तो अप्लाई वॉलेंट्री हुआ कि कंपल्सरी हुआ? लाउडली बोलो फटाफट, लाउडली वॉलेंट्री। सर्टिफिकेट आया नहीं, 17 तारीख को 40 लाख क्रॉस कर गया, तो अब कैटेगरी बदल गई ना, तो मैंने इन्फॉर्म कर दिया। तो आई एम लाइबल टू रजिस्ट्रेशन 17 सितंबर। सर्टिफिकेट आया 25 सितंबर को, कब से इफेक्टिव माना जाएगा आप बोलना सिर्फ। भाई कंपल्सरी में आ गया ना, कैटेगरी बदल गई। 17 तारीख को 40 क्रॉस हो गया, तुम्हारा वॉलेंट्री तो नहीं रहा ना, कैटेगरी बदल गई ना। तो यहाँ पर 40 क्रॉस किया और हम अप्लाई कर चुके हैं ऑलरेडी और सर्टिफिकेट आ गया, तो कब से इफेक्टिव माना जाएगा लायबल टू रजिस्ट्रेशन? तो 25 कैसे हुआ, 17 हुआ? नहीं समझ में आया? 25 का सर्टिफिकेट आया तो कब से इफेक्टिव माना जाता है? नहीं फिर लो, हाँ लायबल टू रजिस्ट्रेशन, ये रहा लायबल टू रजिस्ट्रेशन, यहाँ से माना जाएगा ना, यहाँ से क्यों माना जाएगा? वॉलेंट्री का है भाई, कैटेगरी बदल गई कंपल्सरी, ये सी लिखा तो है, वी हैज बिकम सी नाउ। ठीक है, अब देखो डाउट्स। अब इसमें और भी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन 5 के बाद ब्रेक कराऊं के पहले? पहले चले ब्रेक करते हैं, फिर ब्रेक के बाद। हाँ जी हो गया टाइम, करें स्टार्ट पेज 153 का। एक क्वेश्चन और कर लें तो बात मेरी पूरी हो जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 5, ये इसी से कनेक्टेड पार्ट है, 153 पेज का क्वेश्चन नंबर 5। एक्सप्लेन इशू ऑफ रिवाइज इनवॉइस, वो जो टाइम पीरियड बीच में है जिस दिन हम लायबल टू रजिस्ट्रेशन वागों से, उस पीरियड में क्या करो, इनवॉइस द्वारा बना दो। प्रैक्टिकली तो पॉसिबल है ही नहीं, ये तो यहाँ लिखा हुआ है तो हम रीड कर रहे हैं। सेक्शन 31(3)(a) रजिस्ट्रेशन में अलाउड टू इश्यू रिवाइज इनवॉइस फॉर द इनवॉइस ऑलरेडी इशूड फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टिल द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये जो टाइम पीरियड है ना इंटरवीनिंग, उसकी नई इनवॉइस बना दो। फर्दर रिवाइज शुड बी इशूड विद इन 1 मंथ फॉर डेट ऑफ इशू, जिस दिन आपको सर्टिफिकेट मिलेगा एक महीने का टाइम है, आप क्या करो पहले बार उस पीरियड की नई इनवॉइस बना के दे दो। लेकिन नई बना तो देंगे, नई लेगा कौन, टैक्स कौन देगा? अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन था जिसको बेचा था उसकी तो अलग अलग इनवाइस बनाना, अनरजिस्टर्ड की सबकी एक ही बना देना, उनको देने की जरूरत नहीं, बस रिकॉर्ड में चढ़ा देना। मिस्टर ए रजिस्टर्ड सप्लायर हैज मेड सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट एज गिवन बिलो, सप्लाई 160,000, सप्लाई 240,370, सप्लाई 41,00,000। ये उस पीरियड में है जो बीच का पीरियड था, तो इनकी सबकी मिला के एक इनवाइस बना दो और बीच में जीएसटी लगा दो। जीएसटी लगा तो देंगे लेकिन देगा कौन? जो असली बात है वो नहीं डिस्कस की, वो बिना मतलब के फालतू का क्वेश्चन बना दिया, रियल लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन आपको लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में कि रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, बिना मतलब का बना दिया। इन द केस ऑफ इंटरेस्ट रेट सप्लाइज वी सप्लाई फॉर वैल्यू सप्लाई डज नॉट एक्सीड 2,50,000, 2.5 लाख तक तो कंसोलिडेटेड बना देना। 2.5 लाख से ज़्यादा है तो पहले भी हमने डिस्कस किया था जीएसटी R1 में, 2.5 लाख से ज़्यादा का अलग से रिपोर्ट करना पड़ता है, रजिस्टर्ड वो अलग बना देना। तो एक बार इतना रीड कर लो।
इतना रीड कर लो, ये मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद फिर अनुष्का की एक डाउट भी लेनी है, उसके बाद टेकअप करें। देखो इसका मीनिंग मैं समझा रहा हूँ आपको, ये मीनिंग है, मेरे 40 लाख क्रॉस हुए हैं 20 अगस्त को, अप्लाई किया मैंने 3 सितंबर 2023 को, सर्टिफिकेट आया 15 सितंबर 2023 को, माना जाएगा यहाँ से। तो ये जो टाइम पीरियड है ना, ये वाला, ये इसकी गवर्नमेंट से रिवाइज इनवाइस इशू कर दो, और इसी पीरियड की रिटर्न को बोलते हैं फर्स्ट रिटर्न, जो हम फर्स्ट रिटर्न डिस्कस कर रहे थे, जहाँ से शिफ्ट होकर आए थे, वो यही है, इसी पीरियड की फर्स्ट रिटर्न है इफेक्टिव यहाँ से। तो गवर्नमेंट से क्या करो, जब आप रजिस्टर हो गए तो जिनको भी आपने सामान बेचा था उन सबको बोलो कि ये आपको जान के खुशी होगी कि हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया है, और जो सामान आप ले गए थे उसका GST जरा भिजवाओ हमारे पास। कौन भिजवाएगा, मारने और आएंगे लोग कि लेना था तो तभी लेते, अब किस बात का, ठीक है, लिखा हुआ है, देगा कोई नहीं। लेकिन इसका रियल लाइफ में ये ऐसे नहीं होता जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये क्लासरूम के लिए, रियल लाइफ में ऐसे होता है, 20 तारीख को आपका टर्नओवर क्रॉस किया तो बंदा सेम डेट अप्लाई करता है, 30 डेज का टाइम क्यों लेगा, जो उसको आगे सामान बेचना क्या करेंगे, और 2 दिन में रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, इधर से भेजो ऑनलाइन आना है, मतलब ऑनलाइन गया ऑनलाइन आया, तो ये प्रॉब्लम कहाँ है, ये क्लासरूम में दिखाई गई है, और एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा उसको डील करने के लिए है। तो रियल लाइफ में तो आप 20-40 क्रॉस करते ही, बल्कि एक दिन पहले अप्लाई कर दोगे और सर्टिफिकेट तुरंत आ जाएगा, तो ये प्रॉब्लम आएगी कहाँ, ना फर्स्ट रिटर्न बनेगी, ना इफेक्टिव डेट की बात आएगी, ना रिवाइज इनवॉइस की बात आएगी, ये सिर्फ आप सुन लेना, ये क्लासरूम के लिए है। तो यहाँ से यहाँ तक रिवाइज इनवॉइस शुरू कर दो। अब इनवॉइस कैसे शुरू करें, 4 लोग तो वो थे जो अनरजिस्टर्ड थे, जो मुझसे सामान खरीद के ले गए थे, उनको कोई टेस्टेड तो लेना ही नहीं है, 2 पर्सन रजिस्टर्ड थे, तो इनको तो अलग अलग इनवॉइस देनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि उनको टेस्टेड लेना है, टेस्टेड तभी मिलेगा जब मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा और इनका भी लिखा हो, इनका भी लिखूंगा मैं, अपना भी लिखूंगा, तो जिस इनवॉइस में दोनों का रजिस्ट्रेशन नंबर है, सप्लायर और बायर, तब जाके टेस्टेड मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। और ये अनरजिस्टर्ड है, इनको तो लेना नहीं, मुझसे क्या कर देना, लिख देना मिसलेनियस बायर्स, सन्ड्री बायर्स, सन्ड्री बायर्स लिख के चारों का इकट्ठा बना के और टैक्स दिखा देना, और टैक्स इसलिए दिखा देना क्योंकि टैक्स आपको देना है, GST R1 में रिपोर्ट करना है, उनसे टैक्स लेने की बात कुछ नहीं लिखी, वो देंगे नहीं देंगे, लिखा ले लेना, क्योंकि रियलिटी में तो ये सेम डेट में सब कुछ हो जाएगा, प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। अब आप रीड करके देख लें, फिर जिसको डाउट पूछना, रीड करना कंसंट्रेशन से, समझने की कोशिश करनी है पूरी। कोई स्टूडेंट अगर ऐसे ही रफली रीड करेगा तो फिर उसे बोलना पड़ेगा सर ये रिपीट कर दो क्या इसके अंदर, और जो एग्जैक्ट पूछेगा समझो उसने पूरी कोशिश किया और एग्जैक्ट पकड़ लिया कि ये पॉइंट है मुझे समझ में नहीं आया, एग्जैक्टली कैच करना है कि ये पार्ट है, देखो ये समझ में नहीं आ रहा। अब देखिए मैंने कुछ सामान दूसरी स्टेट में ही बेचा है, 2.5 लाख तक है, अनरजिस्टर्ड है, मिला के कर दो, 2.5 लाख से ज़्यादा है चाहे अनरजिस्टर्ड है फिर भी अलग इशू करनी है, याद कर लो GST R1 उसमें भी था, उसे अमाउंट बहुत ज़्यादा है आप इसके अलग इनवाइस दे देना, वो पार्ट भी आगे लिखा हुआ है, इसी एग्जाम्पल में आगे कंटिन्यू किया हुआ है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, एक बार रीड करके देख लो। ठीक है, देखो इतना पार्ट था रजिस्ट्रेशन का जो फर्स्ट रिटर्न से कनेक्टेड मुझे आपको बताना था। अब वापस रिटर्न के चैप्टर पे जाएंगे, अब इसमें भी डाउट पूछ लीजिएगा, उसमें पूछ लीजिएगा। अनुष्का आपका डाउट बोलो, क्या है बताओ, भूल गए बताओ। दिवित एक आपका भी डाउट था, हो गया, अरे उसको तो पूछ लेने दे पहले कुछ, सर एक डाउट वो पूछ रही है, वो भी नहीं तो पूछने देगा। वो डिस्कस ही नहीं किया एक्ट ने, क्योंकि रियल लाइफ में वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैं आपको एग्जैक्ट एग्जांपल बना के दिखाता हूँ, देखो मेरी टर्नओवर है 17 लाख और मैं अनरजिस्टर्ड डीलर हूँ, और नहीं मेरी टर्नओवर है 20 लाख, सर्विस प्रोवाइडर हूँ, और मैंने अप्लाई कर दिया रजिस्ट्रेशन के लिए, डेट भी डाल देता हूँ 1/7/23, अप्लाई कर दिया 10/7/23, ठीक है, अभी रजिस्टर हुआ नहीं, अप्लाई किया, और अनुष्का आती है यहाँ पर कोचिंग लेने के लिए,
इन्होंने पूछा फीस कितनी है, मैंने कहा 10,000 रुपये, कोई भी फिगर ले लो, 20 लग रहे 20,000 रुपये बस, खुशी दे कितने 10,000 रुपये 20,000 कर लो। तो इन्होंने पूछा GST, मैंने कहा GST नहीं है क्योंकि मैं तो अनरजिस्टर्ड हूँ, अभी तो मैं ले नहीं सकता ना, ये सेक्शन 33 में साफ साफ लिखा, मैं अभी आपको रीड करवा दूँगा, अनरजिस्टर्ड डीलर कभी भी ये गलती ना करे GST चार्ज करने की, 6 मंथ का इम्प्रिजनमेंट है। तो मैंने कहा GST नहीं है, तो इन्होंने 20,000 रुपये दे के चले गए। अब मुझे सर्टिफिकेट मिला 15 अगस्त 23 को, कब से इफेक्टिव है यहाँ से, ठीक है। अब मैंने इनको फ़ोन किया 15 अगस्त को कि अनुष्का जी आपका GST रह गया, अब इन्हीं से पूछ लो ये क्या जवाब मुझे देंगे। नंबर वन, सर अगर GST है तो आपको पहले बताना चाहिए था, ये कोई तरीका है आपका, उस समय तो एडमिशन का टाइम एडमिशन ले लिया, आप कह रहे हैं GST दो, मैं क्यों दूँ GST, आप दो अपनी जेब से। नंबर टू, कई ऑप्शंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। नंबर टू, सर अगर GST है, आप GST बढ़ाते हो, आपको पता नहीं था कि GST है, अब क्या बात कर रहे हो GST की, कट। तीसरा ऑप्शन भी है, सर इस तरह की बात करते हुए अच्छा लगता है, आपको लेना था तभी लेते, तो बेईमानी है, आप बेईमानी करते हो, मत पूछो क्या क्या कहेंगे लोग। अब तेरा क्वेश्चन का बता, रिप्लाई आया कि नहीं आया, तू कह रही थी वो नहीं देगा तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, गवर्नमेंट इसका सोल्यूशन बताया नहीं, गवर्नमेंट ने लिख के छोड़ दिया, सोल्यूशन हमें नहीं पता, फाइंड आउट सोल्यूशन यूर सेल्फ। अब मैं इसका सोल्यूशन बता भी देता हूँ, कोई बात नहीं भाई ना दो, इंक्लूसिव ऑफ GST मान लूँगा, डिवाइड बाई 118 × 8 गवर्नमेंट को दे दूँगा इंक्लूसिव, अपनी जेब से, और क्या करें भाई, अगर काम करना है बहुत कुछ सहना पड़ता है, मत पूछो क्या क्या सहते हैं हम लोग, गवर्नमेंट के लॉ के आगे नहीं चलती, गवर्नमेंट का लॉ मानना पड़ेगा आपको, और वे आउट बहुत है, और वे आउट सुनिएगा। जब ये एडमिशन लेने आए तो मैंने बोल दिया देखो ऐसा है, मैंने अप्लाई किया और रजिस्ट्रेशन के लिए, फिर मुझे बाद में GST लेना, GST आपको अभी देना पड़ेगा, लेकिन मैं रसीद नहीं दूंगा क्योंकि मैं चार्ज नहीं कर सकता, मैं लेके रख लूँगा और बाद में जब मेरा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तब आपको रिवाइज बना दूंगा। ये बिल्कुल सही है, पहले ले लो। अब इन्होंने कहा जी आप मुझे रिसिप्ट तो दे नहीं रहे, मैंने कहा मैं दे नहीं सकता, चलो सर खाली कागज़ पे तो लिख दो, मैंने कहा कागज़ पे लिख देता हूँ रिसिप्ट दिस मच अमाउंट, कुछ नहीं लिखूँगा किस चीज़ का है, बाद में इसमें एडजस्ट हो जाएगा। अब रियल लाइफ में आओ, रियल लाइफ में तो ये है कि मेरा 20 करोड़ करते मैं अप्लाई कर दूंगा, अगले दिन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आएगा, कहाँ है प्रॉब्लम, मुझसे बिना मतलब के प्रॉब्लम क्रिएट किए जा रहे हो, हमसे सोल्यूशन पूछे जा रहे हो, प्रॉब्लम कहाँ है जो सोल्यूशन बताए, सोल्यूशन तो प्रॉब्लम का होता है, बिना प्रॉब्लम के सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, ये मीनिंग है इसका, ठीक है। अब आप YouTube पे लेक्चर देख लेना, किसी भी टीचर के देख लेना, सबने बोला रिवाइजिंग वाइज इशू कर दो और टैक्स ले लो, बात खत्म, ना किसी बच्चे ने पूछा ना टीचर ने बताया, टॉपिक खत्म हो गया, आगे चलो। आप चेक कर लेना, 50 लेक्चर चेक कर लेना, अगर किसी ने भी इसका डिस्कशन किया हो कि क्या होगा, सब ने कहा भाई एक्ट में लिखा ठीक है, बच्चों ने पूछा ही नहीं, ज़्यादातर या तो बच्चे बैठे नहीं थे, स्टूडियो रिकॉर्डिंग है, स्टूडियो रिकॉर्डिंग का ये फायदा होता है कि डाउट कोई नहीं पूछ सकता, दीवारें हैं चारों तरफ चुप हैं सब, बोलते रहो स्टूडियो, हम स्टूडियो रिकॉर्डिंग करते ही नहीं है, हमें तो मज़ा ही नहीं आता, जब तक बच्चों से मत्था ना मार ले मज़ा ही नहीं आता पढ़ाने का, 2-4 बच्चों कुछ कह ना ले, 2-4 सुन ना ले, मज़ा ही नहीं आता, खाली दीवारों को कौन पढ़ाए भी, मैं तो कभी स्टूडियो रिकॉर्डिंग मेरे से होती नहीं, आधे घंटे बाद बंद हो जाएगी स्टूडियो रिकॉर्डिंग, तो इसलिए हम तो क्लासरूम की रिकॉर्डिंग लेके फिर उसी को डालते हैं, ये इसका पूरा सोल्यूशन है। अब आप इसमें कुछ और पूछना चाहे पूछ सकते हो, अब तू क्या पूछ रहा था बीच में, इन जनरल वो दिन हम छोड़ देते हैं, 2 तरीके होते हैं, या तो आखिरी वाला दिन जोड़ लो या पहले वाला जोड़ लो, तो हमने पहले वाला छोड़ दिया, 1 तारीख को क्रॉस किया है तो 2 तारीख से ले लो, एक्ट में ये लिखा नहीं हुआ, एक्ट में या तो लिखा हो, जैसे जब हम टैक्स का पेमेंट डिले करते हैं ना, वो एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि 20 तारीख को आपको देना था, 20 तारीख छोड़ दो, आगे से काउंट करो, जिस दिन आप पेमेंट दोगे वो दिन जोड़ लो, इतने दिन का डिले है, मान लो 28 को पेमेंट करूँ तो 8 दिन का डिले है, सब जगह नहीं लिखा हुआ, तो इसमें कौन सा एक्ट काम आता है, जनरल क्लॉजेस एक्ट, तो जनरल क्लॉजेस एक्ट लगाना पड़ेगा, या तो ये छोड़ दो या वो छोड़ दो, ना दोनों नहीं लेने, मान लो जैसे 1 तारीख को क्रॉस किया 1 तारीख छोड़ दो और उसका आखिरी दिन 31वां दिन वो जोड़ लो, ऐसा नहीं 1 तारीख भी छोड़ दो 31 भी छोड़ दो अगले महीने की 1 तारीख आ गई, ऐसे नहीं करना, तो लिखा नहीं हुआ एक्ट के अंदर, जहाँ लिखा नहीं हुआ कोई खास बात नहीं है, उसमें एग्जाम में एग्जैक्टली पूछते भी नहीं, वो ऐसे डेज देंगे, इसमें देखो 30-31 की प्रॉब्लम ही नहीं आई 30 की, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कई जगह लिखा हुआ कई जगह लिखा ही नहीं हुआ, तो अपने अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लो, कोई फर्क नहीं।
ठीक है। अब देखो डाउट यहाँ तक, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर इसमें क्या पूछ रहे हो? ये कह रहे हैं इसमें मैंने कहा था क्रेडिट बैलेंस है तो इसका रीजन क्या है, ये तो अकाउंट्स वाले टीचर से पूछो, डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें। देखो लायबिलिटी होती है तो क्रेडिट बैलेंस, एसेट होता है तो डेबिट बैलेंस। अब ये मेरा तो एसेट है, मैंने पैसे जमा किया है, लेकिन बुक्स तो किसकी है? डिपार्टमेंट की है, डिपार्टमेंट की बुक्स में मेरा अकाउंट है, मेरा एसेट, उनकी तो लायबिलिटी है, और लायबिलिटी है तो कौन सा बैलेंस आएगा? क्रेडिट। यार मैंने तुम्हें पैसा दे दिया, तू बता तेरा एसेट है कि लायबिलिटी है? इनकम हो गई। अरे इनकम तो तब होगी जब तेरा राइट बनता हो, मैं तो ऐसे पैसा दिया तुझे तो वापस नहीं करेगा क्या मुझे? इनकम हो गई। मैं तुझे आज लोन दे रहा हूँ तो तेरी इनकम हो गई? कह रहा इनकम हो गई, खत्म हो गया। अरे तो अभी तो दिया है ना, अभी एडजस्ट कहाँ हुआ है? अभी तो हमने कहा जी ये लो, ये लो, लायबिलिटी में एडजस्ट कर लेना। अभी तो मेरा एसेट उनकी लायबिलिटी है ना, तो लायबिलिटी में बैलेंस कौन सा होता है? तो ये बात टैक्स का टीचर बताएगा कि अकाउंट्स का? तो अकाउंट्स की क्लास में पूछो कि सर लायबिलिटी है तो कौन सा बैलेंस होगा, एसेट तो कौन सा? भाई मेरा एसेट है, मेरा अकाउंट उनकी बुक्स में है, तो उनकी क्या बनी? लायबिलिटी। और यही हमने क्रेडिट लेजर में डिस्कस किया था, क्रेडिट में भी यही है, मेरा एसेट उनकी लायबिलिटी, लायबिलिटी वाले में उल्टा है, मेरी लायबिलिटी है उनका एसेट है तो उसमें डेबिट, यानी सारे बैलेंस उल्टे हो गए। ठीक है, क्लियर हो गया ना? फिर जब एंट्री कैसे पास करेंगे, इसमें क्रेडिट है डेबिट कर लो, इसमें क्रेडिट है डेबिट कर लो, उसमें डेबिट है क्रेडिट कर लो, नील 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 तीनों नील हो गए। अब ये एडजस्टमेंट हो गया, अब ये आपका बन गया, जब तक एडजस्टमेंट नहीं हुआ तब तक तो ये हमारा है। ठीक है, और देखो डाउट, अब वापस रिटर्न पे आ जाओ। ये वाला पार्ट ऑलरेडी मैं सब बता चुका हूँ, जो बच्चे एब्सेंट रहे होंगे ना इसमें और जिन्होंने नहीं देखा होगा बैकअप, उसमें से एक दो बच्चे इसको पता कैसे देख रहे हैं? वो वही बच्चे हैं जो एब्सेंट थे, और कोई नहीं देख रहा, वही ऐसे देख रहे हैं। ये तो मैंने पहले बताया था ना एक बार, बता चुका हूँ, मैं तो तेरा नाम लिया ही नहीं। तो ये ऑलरेडी डिस्कस किया था, भाई सीधी बात है, एसेट है तो डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी तो क्रेडिट। अब मेरा अकाउंट जीएसटी पोर्टल की बुक्स में है, तो जो मेरे लिए होगा उसका उल्टा होगा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है ना? हमारी बुक्स और बैंक की बुक्स उल्टा मिलेगा, करेक्ट और नॉट? बैंक रिकंसिलिएशन वाला चैप्टर किया था, चलो ठीक है। अब देखो इसके आगे, अब हमारा पेज नंबर हो गया 89 पे आ जाओ प्लीज़। अब क्वेश्चन 11 फटाफट पढ़ लो, अब 100% आपको समझ में आना चाहिए, कोई डाउट का काम नहीं है दूर दूर तक। क्वेश्चन 11 को अच्छे से रीड कर लो, अब मेरे ख्याल से इसमें कुछ डाउट नहीं है, फिर भी किसी को तो पूछ सकते हो। उसके बाद आएगी एनुअल रिटर्न, साल की इकट्ठी रिटर्न, एक्सप्लेन फाइल में एनुअल रिटर्न, सेक्शन 44, एवरी सर्वेंट शैल फर्निश एनुअल रिटर्न फॉर एवरी फाइनेंशियल इलेक्ट्रॉनिकली इन फॉर्म नंबर जीएसटी 9 अप टू 31 दिसंबर ऑफ द सब्सिक्वेंट ईयर, अगले साल के 31 दिसंबर तक, 22-23 की कब जाएगी रिटर्न? 31 दिसंबर 23। डिटेल याद करने की जरूरत नहीं, बस रीड कर लो, जीएसटी नेम, अगर ऑडिट भी होनी, ऑडिट होती है 5 करोड़ के ऊपर, जीएसटी में ऑडिट होती है 5 करोड़ के ऊपर, अगर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो स्टडी ऑडिट की डेट देनी है, ऑडिटर कौन थे, डिटेल एक्सपेंडिचर, इनकम रिटर्न, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। रिकंसिलेशन मतलब इनकम टैक्स में तो आप टर्नओवर कुछ और बता रहे हो, जीएसटी में कुछ और बता रहे हो, तो इनको रिकंसाइल करो, डिफरेंस क्यों आ रहा है, रीजन बताओ, जैसे बैंक रिकंसिलेशन में होता है। अदर अमाउंट्स प्रॉफिट एज पर पी एंड एल अकाउंट,
रजिस्ट्रेशन शैल बी अलाउड टू फाइल एनुअल रिटर्न फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग. लेट मैक्सिमम कितना हो सकता है 3 ईयर. अब इन जनरल एनुअल रिटर्न जाती है GSTR 9 में, लेकिन जो 52 का इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है उसकी जाती है 9B में. और NRTP, OIDR, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, पर्सन पेइंग टैक्स 51, कैजुअल टैक्स पर्सन, इनको एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करनी होती. एवरेज रजिस्टर्ड पर्सन हुज़ टर्नओवर इज 5 crore शैल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट GSTR 9C विच विल बी ए सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलेशन स्टेटमेंट रिकंसाइलिंग वैल्यू ऑफ सप्लाईज डिक्लेयरिंग. 5 crore के ऊपर वाले को ऑडिट भी करवाना है, रिकंसाइल करके दिखानी है. रिकंसाइल कैसे मैं भी बताता हूँ आपको, एक बार पहले रीड कर लो आप. देखिए रिकंसाइल कैसे होता है, मैं डिफरेंट आइटम सेल कर रहा हूँ, साथ में बुक्स भी हैं. बुक्स तो एग्जम्प्ट है और ये टैक्सेबल है. तो GST में तो मैं सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई बताऊँगा, ये तो है ही एग्जम्प्ट. तो मैंने कहा जी टर्नओवर थी मेरी 100 lakh, GST का रेट था 20%, ये टैक्स रहा. लेकिन इनकम टैक्स में अगर बुक्स सेल करता हूँ उस इनकम पर भी इनकम टैक्स है, करेक्ट और नॉट, बुक्स पर. तो ये मेरी 100 lakh थी, ये मेरी 60 lakh है. तो इनकम टैक्स में टर्नओवर 160 lakh दिखाऊंगा मैं, क्योंकि इनकम टैक्स उस पर भी है. तो GST डिपार्टमेंट कह रहा हमें 100 बता रहे, उनको 160 बता रहे हो, क्या कारण है? तो मैं बताऊंगा कि 60 lakh इज़ द एग्जम्प्ट सप्लाई एज पर GST बट टैक्सेबल एज पर इनकम टैक्स, हैंस एडेड इन द इनकम टैक्स रिटर्न एंड नॉट एडेड इन द GST रिटर्न एंड इट इज़ रिकंसाइल्ड. तो ऐसे जैसे बैंक रिकंसिलेशन में एक एक एंट्री करते हो, ऐसे 50 कारण हो सकते हैं, डिफरेंट आएगा ये. तो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना के देनी है ऑडिट वालों को, जिसका ऑडिट नहीं होना उसका नहीं चाहिए, उसका रिकंसिलेशन चाहिए. ठीक है, रिकंसिलेशन जाता है 9C में, 9C होता है इसमें रिकंसिलेशन जाता है, इसमें लिखा है नहीं लिखा, लेकिन 9C में रिकंसिलेशन जाता है. और 9C लिखा हो ना GST 9C. और कुछ बातें मैं बताता हूँ, एक बार रीड कर लूँ मैं. देखो अब इसमें इन जनरल हर रजिस्टर्ड पर्सन को GSTR 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कौन सा है? अमेजोन फ्लिपकार्ट. ध्यान एक बार बात की थी थोड़ी सी उनकी GSTR 9B में, तो उसमें मैंने एक बार रफली आपको बताया था. तो मैं ऐसा करता हूँ, ये बाद में आएगा सिलेबस का पार्ट, तो मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ, पढ़वा भी देता हूँ जहाँ लिखा हुआ है, उसके पूरे आस्पेक्ट आपको समझ में आ जाएंगे, वरना आपको एक कन्फ्यूजन आ जाएगा कि इसको बाद में मैं कहता हूँ बाद में डिस्कस करेंगे तो आपके माइंड में कन्फ्यूजन रहेगा. मैं इसको रीड कराता हूँ, पेज नंबर आइए 349 पर. 349 ये लिखा हुआ है. क्वेश्चन नंबर 2, सेक्शन 52, अमेजोन फ्लिपकार्ट इसी में आएंगे. 349 क्वेश्चन 2, अमेजोन फ्लिपकार्ट सेक्शन 52, पूरा सिस्टम देखिए. एक बार मैंने बताया था रफली, एग्जैक्टली बता रहा हूँ मैं आपको. कलेक्शन ऑफ टैक्सेस रोड, जैसे इनकम टैक्स में TCS होता है वैसा TCS GST में भी है. कौन सा सेक्शन? 52. जैसे TDS इनकम टैक्स में था TDS इसमें भी होता है सेक्शन 51. इसके ऊपर वाले क्वेश्चन पे जस्ट नज़र लगाओ. क्वेश्चन नंबर 1, राइट एंड टैक्स सेक्शन एट सोर्स 51. अभी TDS नहीं करवाऊंगा, अभी TCS करवाऊंगा, TDS बाद में. वैसे बता रहा हूँ आपको, TDS भी है TCS भी है, नाम का एक एक सेक्शन है, जरा जरा सा पार्ट है. पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, TCS करेंगे. कलेक्शन ऑफ टैक्सेस सोर्स सेक्शन 52. एज पर सेक्शन 24 द पर्सन कलेक्टिंग टैक्सेस टू कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, हमने कहा था 40 लाख क्रॉस करें, 20 लाख क्रॉस करें, उनसे नहीं. अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है आपको रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग से करवाना है. कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन बिना टर्नओवर वाला सेक्शन 24 में है और टर्नओवर वाला सेक्शन 22 में है. तो दो सेक्शन याद रखना, 22-24. 22 में तब आएगा जब आप लिमिट क्रॉस करोगे, 24 में तब आएगा लिमिट क्रॉस करो या ना करो.
जैसे ब्लॉक्ड क्रेडिट हम कह रहे थे, उसे हमने कह दिया था करवाना है, टर्नओवर की बात नहीं। लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों कह दिया? आप बताओ, अमेजोन फ्लिपकार्ट को आप छोटा मोटा डीलर मानते हो कि बड़ा? बड़ा। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है सब बड़े हैं। द पर्सन कलेक्टिंग टैक्स हैज़ टू टेक रजिस्ट्रेशन टर्नओवर, ही शुड अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। सबको REG-1 में करना होता है, इनका स्पेशल होम है REG-7। थोड़ी इन्फॉर्मेशन की डिफरेंट रहती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर सेल करेक्ट अमाउंट ऑफ 2%, 2% का TCS इकट्ठा करना है, 1% CGST, 1% IGST ऑफ द नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मेड थ्रू इट बाय अदर सप्लायर्स विद द कंसीडरेशन विद रेफरेंस टू सप्लाई इज टू बी कलेक्टेड बाय द ऑपरेटर। द अमाउंट कलेक्टेड शैल बी डिपॉजिटेड टू द गवर्नमेंट बाय द ऑपरेटर विद इन 10 डेज। इनकम टैक्स में था विद इन 7 डेज, इसमें है विद इन 10 डेज आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ इन विच सच कलेक्शन इज मेड एज पर रूल 67। स्टेटमेंट शैल बी फर्निश्ड फॉर्म नो GST R8। इनकम टैक्स में भी क्वार्टरली स्टेटमेंट जाती थी, इसमें मंथली स्टेटमेंट है। जिनका भी TCS हुआ है सबकी डिटेल भेजो हमें विद इन 10 डेज आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ। एवरी ECS हु कलेक्ट द अमाउंट, ECS नहीं ECO, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ESCO कर दो। एवरी ECO हु कलेक्ट द अमाउंट एज पर रूल 80 शैल फर्निश एनुअल स्टेटमेंट 31 दिसंबर। इनके लिए फॉर्म लगेगा 9B, सबका लगेगा 9, इनका लगेगा 9B। द सप्लायर हु सप्लाइड द गुड सर्विसेज थ्रू ऑपरेटर शैल क्लेम क्रेडिट इन इज इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड रिफ्लेक्टिव इन द स्टेट ऑपरेटर। इतना रीड करना एग्जांपल, ये वाला मत रीड करना, मैं नया एग्जांपल लिखवाऊंगा, पहले इतना देख लो एक बार रीड। देखो अब एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। ये एग्जांपल हमने पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन अब मैं थोड़ा बेटर करके बताऊंगा आपको। ABC लिमिटेड है, अमेजोन के थ्रू सामान बेचा है 20 लाख रुपए का, GST 20%, 4 लाख। किसी बायर ने इसे खरीदा है, तो बायर पैसा किसको देगा? अमेजोन को। अमेजोन को किसको देगा? इसको। तो अमेजोन ने इसको कितना दिया? 20 लाख प्लस 4 लाख, 24 लाख, करेक्ट? इसमें किसको डाउट? अब गौम से टू द अमेजोन के, भाई देखो जो तुमने 4 लाख दिया है ना, ये पता नहीं टैक्स देगा गवर्नमेंट को, नहीं देना, इसमें से हमारा टैक्स काट लो। लेकिन रियलिटी में ये पैसा इसका है, तो हम इसको ऐसे समझेंगे कि अमेजोन ने इससे देने के बाद मांगा है कि भैया टैक्स का पैसा तो दे दो गवर्नमेंट वाला, तो इसलिए ये वर्ड बन गया कलेक्ट। रियलिटी में ये डिडक्ट है, क्योंकि अमेजोन देगा थोड़ा, काट करके देगा। लेकिन रियलिटी में समझने के लिए कैसे समझें कि अमेजोन ने पूरा दे दिया बाद में ले लिया, तो बन गया कलेक्ट। है ये डिडक्ट, बोलना कलेक्ट। तो कितना लेना है इसका? 2%। कितना? नहीं अमाउंट बोलो ना, 2%। मैं तो अमाउंट पूछ रहा हूँ, क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता 2% कितना बना। 40,000, करेक्ट? 40,000 रुपये दे दिया, कोई डाउट नहीं ना, दिस इज TCS। अब ये 40,000 अमेजोन किसका देगा? गवर्नमेंट को। और साल के एंड में 4 लाख देते हुए 40,000 माइनस कर लेगा, ऑलरेडी पेड टू अमेजोन एंड गिवन टू द गवर्नमेंट। इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ TCS या TDS जो ऑलरेडी किया था हमने। बाद में थोड़ा 4 लाख देंगे, 360 देंगे, करेक्ट? अब अमेजोन ने कहा भैया हमारा कमीशन किधर गया? तुम्हारा सामान बेचा है, हमारा कमीशन भी तो दो। तो ABC लिमिटेड ने कहा बिल भेजो, 15% कमीशन है, 20 लाख का 15% कितना बना? 3 लाख। अमेजोन इसके ऊपर GST लगाएगा कि नहीं लगाएगा? लगाएगा। 20% का रेट मान लो, कितना बना? 60,000। तो अमेजोन इससे कितना मानेगा? मांगेगा 360, और 40,000 ये 4 लाख हो गए ना। तो रियलिटी में वो मांगेगा नहीं, वो 4 लाख काट के 20 लाख इसको देगा। मैंने डिटेल में इसलिए समझाया कि मैं सीधा कहूँगा 20 लाख देगा तो आप कहोगे 20 लाख कैसे, 20 लाख कैसे, ऐसे देख लो। तो एक ही बात बनी ना, 24 लाख दे के 4 लाख मांग लो, 4 लाख काट के 20 लाख दे, सेम थिंग है। तो रियलिटी में अमेजोन दे के नहीं मांगता, पहले काट देता है, सबसे पहले से अपना पैसा चाहिए, फिर मैंने अपना कमीशन काट लिया बाकी तुम देख लो, गवर्नमेंट का टैक्स भी काट लिया बाकी तुम देख लो, करेक्ट? अब ये ट्रीटमेंट आगे क्या होगा, ये गवर्नमेंट को बताएगा आउटपुट टैक्स कितना है? 4 लाख, करेक्ट? और ये जो 60,000 इसको दिया है इसका लेगा वो ITC, 60,000 मेरा ITC लेस कर लो, उसके बाद TCS लेस करेगा, बाकी पेमेंट ले लो 3 लाख। तो सेक्शन 52 आपसे पूछे ये रहा, TCS को ही पूछे ये रहा, ECO आपसे पूछे ये रहा, 52 सेक्शन पूछे ये रहा। आराम से देख लो, ये एग्जांपल मैं अभी लिखवाऊंगा आपको।
एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है, लेकिन बीच में TCS का पार्ट नहीं, TCS का हटा के दे रखा है, तो मैं TCS मिला के लिखवा दूँगा। वो एग्जाम्पल लिखा रहने देना, वो विदाउट TCS है जो लिखा हुआ है। सेम एग्जाम्पल मैं दोबारा फिर लिखवा दूँगा विद TCS। एक बार रीड कर लो आराम से, पूरा क्वेश्चन रीड कर लो, और उसमें जो एग्जाम्पल दे रखा वो भी रीड कर लो। इस एग्जाम्पल उस एग्जाम्पल में ये फ़र्क है, उसमें TCS नहीं है, इसमें TCS है, लेकिन आपको कंसंट्रेशन से रीड करना पड़ेगा। जो कंसंट्रेशन से रीड नहीं करेगा वो सीधा कहेगा सर रिपीट कर दो। जो कंसंट्रेशन रीड करेगा वो इसमें से डाउट निकाल के बताएगा, ये वाला बताओ एग्जैक्टली, ये चीज़ बताओ ये क्या है, फिर मैं एग्जैक्टली वो बताऊँगा। जो एग्जैक्टली पूछता है समझो उस बच्चे ने पूरी एफर्ट्स किया लेकिन एग्जैक्टली उसने निकाल लिया ये समझ में नहीं आया मुझे, तो वो मैं फिर आपको बताऊँगा। रिपीट वैसे मैं सारा भी करूँगा। चलो एक बार पूरा रिपीट करता हूँ। रियल लाइफ में भी ऐसे ही होता है, हर सेलर अमेजोन को कॉन्टैक्ट करता है, हमारा सामान लिस्ट कर दो, लेकिन इनकी बहुत फॉर्मेलिटीज है, जल्दी से सामान लिस्ट नहीं करते। क्यों? लिस्ट करवा दिया, ऑर्डर ले लिया, सामान सप्लाई नहीं किया, तो रेपुटेशन किसकी खराब होती है? अमेजोन की। दुनिया भर की इनकी कंडीशंस है, GST में रजिस्ट्रेशन के बिना ये लिस्ट नहीं करते। लगभग सबसे कंपेल करते हैं कि सिर्फ जो अच्छे सप्लायर हैं उन्हीं को हम लिस्ट करेंगे, बाकी इनकी मर्जी है, कंडीशन बहुत है। देन फिर ये क्या बोलते हैं कि लिस्ट करने के बाद देखो जब ऑर्डर आएगा, ऑर्डर पे जो इनवॉइस आप बनाओगे हमारा नाम भी उस पे लिखा रहेगा आपके साथ, नाम के साथ में, ठीक है, अमेजोन का भी लिखा रहेगा। सामान को जो पैक करोगे एक्सेलेंट पैकिंग होनी चाहिए, पैकिंग मटेरियल बढ़िया होना चाहिए। आपके पास है तो आप हमें दिखाओ कौन सा मटेरियल, नहीं तो हम देंगे। इनका अपना प्रिंटेड अमेजोन का मटेरियल है, बहुत महंगा है, डबल प्रॉफिट उसमें लेते हैं, 100 रुपये वाले 200 रुपये लेते हैं। सबको कंपेल करते हैं हमारा मटेरियल यूज़ करो, कोई कहे नहीं जी हमारा है तो मान जाते हैं, चलो ठीक है तुम्हारा है। प्रोसीजर ये रहेगा, जैसे ऑर्डर आएगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे ऑर्डर आ गया, फिर आपको टाइम देंगे 24 आवर का या 12 आवर का या वन डे का, इस सामान को पैक कर दो, और पैक करके हमें इन्फॉर्म कर दो कि सामान पैकिंग पैक कर दिया रेडी है। हमारा कोरियर आएगा, आपको आने से पहले टाइम और डेट बता देगा, टाइम और डे बता देगा, उस समय आएगा वो बिल्कुल भी रुकेगा नहीं, इमीडिएटली सामान दे दो लेके चलता बनेगा वो, अगर डिले किया सामान नहीं लेके छोड़ जाएंगे। किसी कस्टमर का सामान डिलीवरी लेट होगी तुम जिम्मेवार हो, पेनल्टी तुम पे लगाएंगे, नहीं मानोगे डीलिस्टिंग कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे, बहुत स्ट्रिक्ट है इनका। किसी दिन हॉलीडे होगा तो पहले बता देंगे आज हॉलीडे रहेगा, आज सामान नहीं उठाएंगे हम, पूरा शेड्यूल आता है पूरे महीने का कंप्लीट, बहुत मतलब स्ट्रिक्टनेस है। पैसा अमेजोन के अकाउंट में जाएगा, सेलर के अकाउंट में नहीं जाएगा। पैसा सबसे पहले अपना पैसा काटेंगे, कितना काटेंगे 360 अपना, दे के नहीं लेते, वो अर्बन कंपनी वाले हैं वो दे के लेते हैं, वो पहले दिलवाते हैं फिर लेते हैं, वो अर्बन कंपनी ऐसा करती है, उसका अलग सिस्टम होता है, वो कहलाता है ECO of 9 bracket 5। ओला उबर अर्बन कंपनी इसमें आती है, जो सामान बेचने वाले ECO हैं वो इसमें आते हैं 52 में, सर्विस वाले उसमें आते हैं, वो सर्विस है थोड़ा सा डिफरेंट होता है सर्विस का, उसको छोड़ो एक बार, गुड्स वाले को समझ लीजिएगा। तो पहले अपना पैसा काट रहे, अब गवर्नमेंट ने कहा तो अपना काट रहे हो, अमेजोन हमारा भी काट लो ना बीच में, तुम्हारा कितना 2% हमारा काट लो 20 लाख का, हमारा काट के 40,000 हमें दे देना, बैलेंस इनको दे दो, 360 और 40 काट के कितना दे देंगे 20 लाख। अब ये गवर्नमेंट से डील करेंगे सेलर, गवर्नमेंट आउटपुट ऐसा 4 लाख, अमेजोन को हमने सेल से कनेक्ट दिया, इनपुट सर्विसेज हैं, इनपुट सर्विस का टैक्स क्रेडिट मिलेगा, किस किस का मिलता है टैक्स क्रेडिट, इनपुट्स, इनपुट सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स, ये तीनों मैंने कई बार आपको रिपीट किए हुए हैं कि तीन का मिलता है, इनपुट्स, इनपुट सर्विसेज, कैपिटल गुड्स। तो टेस्ट ले लिया वो तो एडजस्ट होगा ही होगा, और भी कोई टेस्ट है वो भी एडजस्ट होगा, मान लो कोई नहीं है यही है, और जो टैक्स काटा वो भी एडजस्ट, 3 लाख का गवर्नमेंट पेमेंट कर देंगे, बस बात खत्म हुई। 40,000 उधर से आ गया, 3 इधर से आ गया, 3 40 ही बनता था, 60 का तो ITC था, ट्रांजेक्शन खत्म हो गया। अब रियलिटी में अमेजोन क्या करता है, पहले अपना काटता है, काटने के बाद भी पेमेंट तुरंत नहीं देता, 7 8 10 15 दिन लग जाते हैं पेमेंट आने में। आती है पेमेंट, इन्फॉर्म कर देंगे मेल पे, योर डिपॉजिट इज ऑन द वे, पहले इन्फॉर्मेशन ये देंगे, रास्ते में है आपका पैसा, और फिर 10 दिन बाद अकाउंट के अंदर आ जाएगा। फिर मैंने कहा 3,60,000 कटेगा, नहीं 0.something% इसका, 0.something% उसका, 0.3% इसका, 0.3% इसका, 15 टाइप की डिडक्शन जो आज तक हमें समझ में नहीं आई किस बात के काटते हैं। समझने की कोशिश करो, मेल डालो
उसका इतना लंबा छोड़ा मटेरियल भेज देते हैं और पढ़ लो इस बात का ही। तो बड़ा मतलब पूरी लूट है इनकी, लेकिन करें क्या भाई, मजबूरी है। मान लो हमारी बुक है, इनके थ्रू किसी भी एरिया में बिक जाती है, नहीं तो कौन बेचने जाएगा बुक वहाँ, और अच्छी खासी सेल होती है इनके थ्रू। फ़र्क पड़ता है, मतलब सेल मान के चलो नॉर्मल का 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम तो हो ही जाती है इनकी अपनी, प्लस इनकी अपनी मार्केटिंग स्कीम्स है। ये भेजते रहते हैं, ये एक दिन का कोर्स है मार्केटिंग का, आप अटेंड कर लो, 2 दिन का है, यानी चोरी करना सिखाते हैं। मार्केटिंग आज के डेट में यही है, ज़बरदस्ती बेवकूफ़ बना के सामान भेज दो। ईमानदारी तो यह भी अपना प्रोडक्ट लिख दो, किसी को जरूरत होगी तो आ जाएगा तो ना सोचो। एनी वे, मतलब मैं ये बात इसलिए बोल रहा था आपको पूरा याद रहे, सेक्शन 52 था, अमेजन फ्लिपकार्ट की बात हुई थी। अगर आप भी सामान खरीदोगे आपको पता रहे, टैक्स का पता रहे, सारी बात एक बार और रीड कर लो, डाउट पूछ लो। ये एग्जाम्पल मैं अभी आपको लिखवा रहा हूँ, पहले आप एक बार वो रीड कर लो, डाउट पूछ लो। अब मैं लिखाऊँ ये एग्जांपल, बुक के नीचे जगह है, बुक के नीचे लिखना, 349 पेज पर नीचे स्पेस है, सेम एग्जांपल है, बस TCS बीच में डालूँगा मैं। ये जो एग्जांपल है ना पेज 349 पर, इसी के नीचे लिखना, इफ Amazon हैज कलेक्टेड TCS 2% comma tax treatment shall be as given below, यानी सेम एग्जाम्पल को थोड़ा मॉडिफाई कर लेंगे। देखो एग्जाम्पल जो है उसके हिसाब से वैल्यू कितनी दी हुई है बोलो, 20 लाख। GST कितना है बोलो, टोटल बना 24 लाख। Amazon विल डिडक्ट कितना, डिडक्ट पहले कमीशन, Amazon का कमीशन 20 लाख का 15% कितना, 3 लाख। उसका GST 20% कितना, 60,000। इसके अलावा TCS कितना, 40,000। बैलेंस कितना पे करेगा, 20 लाख। अमाउंट पेबल 20 लाख, जिसको पहले डाउट है इसमें पूछ लीजिएगा। उसके बाद जो सप्लायर है वो गवर्नमेंट से डील करेगा, उसकी बात अभी हम करते हैं। अमेजोन इनको दिखा देगा, भाई 24 तुम्हारा आया था, हमें 3 लाख हमारा कमीशन है, 3 लाख पे GST, 360 आपको पेमेंट करना है, तो हमारा और GST मिला के 360 और इतना TCS, हमने 4 लाख काट लिया, बाकी आप ले लो। गवर्नमेंट को GST देना वो तुम जानो, वो ट्रीटमेंट अभी हम करेंगे, ठीक है, इसमें डाउट। गवर्नमेंट को पेमेंट कितना करेंगे वो अभी मैं लिखवा रहा हूँ, कि तो अमेजोन उनके बीच की बात है। जिसको डाउट है बोलो बोलो, 24 लाख टोटल है, अमेजोन में से हमारा कमीशन 3 लाख, 3 के ऊपर GST लगाएंगे, 360 लेंगे, बाय जो सेलर है रियल सेंस में सेलर है उसका ITC ले लेगा, उसको क्या फर्क पड़ रहा है, ये TCS रजिस्ट होगा, कुछ गलत है तो बोलो। अब वो भी देख लो ये गवर्नमेंट से कैसे डील करेगा, वो आगे लिख रहा हूँ। ये तो अमेजोन उनके बीच की बात थी ना, अब ये गवर्नमेंट से डील करेगा सेलर, सेलर गवर्नमेंट को क्या कहेगा,
देखो जी, 4 लाख मैंने जीएसटी लिया था, मेरे पास आईटीसी है 60,000 का एडजस्ट कर लिया, टीसीएस मेरा हुआ था 40,000 2% के रेट पे, 20 लाख का 2% कितना 40,000, और नेट टैक्स 3 लाख मैं आपको दे रहा हूँ। सभी का हिसाब हो गया, अमेजोन का भी हो गया, सेलर का भी हो गया, गवर्नमेंट का भी हो गया, और 52 का पूरा हिसाब ख़त्म हो गया। अब आप आराम से रीड करते रहो और डाउट पूछते रहो आपस में, फिर बाद में मुझसे। पेज 349 की बॉटम पे आ जाएगा ये, तुम जिसे जगह है ना उसी में लिख लो बस। ये पेज 349 पहले वाले सिलेबस में नहीं था, ये इस बार से ऐड किया है इंस्टीट्यूट ने। 349 एक पेज ऐड किया है, एक 348 पे अकाउंटिंग है वो ऐड किया है। करते हम पहले भी थे, थोड़ा कम करते थे, अब थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे। ज़्यादा क्या इसमें है ही नहीं, कुछ करेंगे क्या। 348 भी इस बार से ऐड हुआ है, 349 भी इस बार से ऐड हुआ, दो पेज, एक आध पेज और ऐड हुआ है, ज़्यादा कुछ ऐड हुआ नहीं। ठीक है, हाँ जी उर्वशी बोलो, क्या डाउट है, जिसको डाउट है बताओ। जयंत को छोड़ के पहले सब डाउट पूछ लो, बाद में फिर जयंत पूछेगा। हाँ जी अनुष्का बताओ, डाउट कोई है तो पढ़ दो आराम से, कोई जल्दी नहीं। हाँ जी दीपांशु बताओ डाउट। हाँ जी मार्जिन अच्छा होना चाहिए, किसका, अमेजोन का कि सेलर का। ये कह रहा जो सेलर है इसका मार्जिन अच्छा होना चाहिए, मार्जिन मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट कह रहे ना ज़्यादा होना चाहिए। ये कह रहे प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए वरना कुछ बचेगा नहीं। क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? सर ले कोई क्लास है भाई, प्रॉफिट इतना लोगे तो खरीदेगा कौन, फिर बिल्कुल ही कुछ नहीं बचेगा, दुकान और बंद हो जाएगी। लोग खरीदते रहेंगे, थोड़ा कम बचेगा, टर्नओवर बढ़ेगी, कुछ तो बचेगा। हो या थोड़ा भी पब्लिक को लूटना है, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा करने का मतलब क्या हुआ, पब्लिक को लूट रहे हो। रीजनेबल प्रॉफिट लो, कम प्रॉफिट लो, लंबा चलोगे, ज़्यादा प्रॉफिट लोगे बंद हो जाएगा। हम 35 सालों से क्यों चल रहे हैं, क्योंकि हम प्रॉफिट लेते ही नहीं है, ठीक है, इसलिए तो चल रहे हैं, और कैसे चल रहे हैं, बंद नहीं हो जाते। जिसको डाउट है बोलो, रिपीट करूँ। हाँ जी टीसीएस वालों के लिए है, इसमें जो रिटर्न लिखी हुई है ना GSTR 8, ये टीसीएस वालों के लिए है। ये टीसीएस वाले रिपोर्ट करेंगे, सबकी लिस्ट बनाएंगे सारे सेलर की, किस किस का कितना टीसीएस किया है। मान के चलो हर महीने में कम से कम 1 लाख सेलर की लिस्ट बनाएंगे, सारा इकट्ठा करके गवर्नमेंट को देंगे, और गवर्नमेंट को पता लग जाएगा किस किस का टीसीएस हुआ है, यानी उन्होंने बचा हुआ टैक्स दिया कि नहीं दिया। उनकी सबकी लिस्ट जाएगी गवर्नमेंट के पास। टीसीएस का यहाँ पर बस पैसा कलेक्ट करना नहीं है, उनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है जिनकी जीएसटी लायबिलिटी है, 1% का पर्पज़ ये है, वरना तो 5% कर देते, 3% कर देते। तो GSTR 8 में बताना पड़ेगा, और अपनी जो परफॉर्मेंस है इसको REG 7 में तो अप्लाई करना पड़ेगा, उसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए इनका थोड़ा डिफरेंट रहता है, परफॉर्मेंस बताएंगे GSTR 8 में अगले महीने की 10 तारीख, इनकम टैक्स में था अगले महीने की 7 तारीख। बोलिए डाउट यहाँ तक, करेक्ट, फिर बाद में हम ये वाला पार्ट नहीं करेंगे, एंड में कोई कह दे कि सर ये क्वेश्चन तो आपने करवाया ही नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 छुड़वा दिया, ठीक कर लिया हमने, टिक कर लो आप जो जो हो गए हैं इस पर टिक कर लो, या कोई स्पेशल साइन बना लो, हैं लेक्चर नंबर कोई साइन बना लो, डॉलर का साइन बना लो, इसका मतलब ये बीच में कवर हुआ था, कोई साइन आपको जो ठीक लगे। टिक तो भाई वैसे भी हो जाती है, टिक मतलब ये इस बात का इंडिकेशन है, बाद में मैं रेगुलर में ये नहीं करवाऊंगा, ठीक है। वापस आओ रिटर्न पे, पेज नंबर 89। ठीक है, हर रजिस्टर्ड पर्सन का GSTR 9 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का GSTR 9B है,
जो मैंने अभी बताया आपको। एनआरटीपी क्या होता है? एनआरटीपी क्या, ये पहले डिस्कस हुआ था? Yes, कितने स्टूडेंट को ध्यान आ रहा है पहले डिस्कस हुआ था? अच्छा, सबको ध्यान है, ठीक है। और OIDR, ये भी पहले डिस्कस हुआ था? कितने स्टूडेंट को ध्यान आ रहा है डिस्कस हुआ था? ये डिस्कस नहीं हुआ, ये सिलेबस में भी नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ी बहुत बात है। OIDAR, ऑनलाइन डेटा एक्सेस एंड रिट्राइवल सर्विसेज, ऑनलाइन डेटा एक्सेस एंड रिट्राइवल सर्विसेज, फुल फॉर्म। नाम को छोड़ो, मैं बताता हूँ इसका पर्पस क्या है, ठीक है। क्या आपने कभी कोई मूवी डाउनलोड की? गेम्स? yes, और कोई मटेरियल? yes, कौन सी कौन सी कौन सी साइट से की? किसी और कंट्री की, फॉरेन साइट से। तो जिसकी ये साइट है, जिसने आपको डेटा एक्सेस की परमिशन दी या डेटा डाउनलोड की परमिशन दी, उसको बोलते हैं OIDAR, ऑनलाइन डेटा एक्सेस एंड रिट्राइवल सर्विसेज। जो पर्सन कुछ सॉफ्टवेयर बना करके उसको मेंटेन करता है ऑनलाइन, और पेमेंट बेसिस पर किसी को ये सप्लाई करता है, ठीक है। हमने भी डाउनलोड किया है, फ्री नोट्स एक सॉफ्टवेयर इसमें यूज़ करते हैं, वो डाउनलोड हमने किया, पेमेंट करके लीक किया हमने। तो क्या इस पर GST लगना चाहिए? यस, GST किस पर है? गुड्स और सर्विसेज। क्या, तो क्या ये सर्विसेज हैं? सर्विसेज हैं, लगना चाहिए। लेकिन वो इंडिया के बाहर है, वो देगा नहीं, वो कहेगा जाओ नहीं देता, क्या कर लेंगे मोदी जी मेरा, मैं तो इंडिया के बाहर हूँ। तो मोदी जी तो आपको पता है मानने वाले नहीं है, उन्होंने कहा जाओ ये लो पूरे साइट, पूरे वर्ल्ड की साइट ब्लॉक कर दो, और जो ये काम करना चाहता है इंडिया में आओ, बेंगलोर के अंदर ऑफिस खोल लो, हर स्टेट में नहीं खोल पाएंगे आपका, एक जगह यहाँ आके रजिस्ट्रेशन करवा लो। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद जो भी फॉर्मेलिटी है GST की सारी पूरी करो, और टैक्स ले लेके हमें दो, ये है। तो ये डिटेल में सिलेबस में नहीं है, थोड़ा थोड़ा पार्ट इसका आएगा, बस जब मैं बोलूँगा OIDAR तो कम से कम आपको समझ में आ जाए किसकी बात करें। अगर मैं कहता हूँ जी इनको एनुअल रिटर्न नहीं भरनी, तो आपको समझ में आ जाए अच्छा किसकी बात करें, नहीं समझ में नहीं आया किसकी बात करें, किसको नहीं भरनी, कौन है ये OIDAR, ऑनलाइन डेटा एक्सेस एंड रिट्राइवल सर्विसेज। या तो खाली एक्सेस देता कि आप देख लीजिएगा, डाउनलोड नहीं करने देंगे, या रिट्राइवल की भी परमिशन देता, डाउनलोड कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेमेंट हम आपसे लेंगे, ठीक है। तो इनको एनुअल रिटर्न नहीं भरनी, और फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है, और टैक्स लेके गवर्नमेंट को देना है, अदरवाइज इनकी सारी साइट गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया कि ब्लॉक कर देंगे, हम कंट्री में काम नहीं कर देंगे, टैक्स हमें लेगी आपसे। ये चाइना की नहीं कि कितनी सारी की है, चाइना की तो इतनी सारी दुनिया भर की है, टोटल ब्लॉक ही कर दी कि वो आ भी जाए इंडिया में तो भी नहीं देने देंगे हम उनको, ठीक है। इसी तरह से एक आ रहा है इसके अंदर, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ISD, ये बिल्कुल भी सिलेबस में नहीं है। OIDAR तो फिर भी थोड़ा रेफरेंस आएगा, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। मान लो मैं कहता हूँ जी ISD को एनुअल रिटर्न नहीं भरनी, तो आपको ISD होता क्या बताओ सही, तो थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर देखिए, स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक का हेड ऑफिस है, उन्होंने TV में ऐड दी है स्टेट बैंक की, तो TV में चार्ज हुआ है 100 लाख प्लस GST मान लो 20 लाख। अभी एडवर्टाइजमेंट बेसिकली ब्रांचेस की है, लोग काम करवाने का आएंगे ब्रांच में, 1000 ब्रांच है, 2000 ब्रांच है, सबकी एडवर्टाइजमेंट होगी। तो सर्विसेज ब्रांचेस देती है, हेड ऑफिस तो उनको सिर्फ कंट्रोल करता है, हेड ऑफिस डायरेक्ट सर्विस तो देता नहीं, कंट्रोल करता है। तो ब्रांचेस जब सर्विस देंगे तो आउटपुट एक्सिस का आएगा ब्रांचेस का, और ये 2 लाख का टेस्टेड किसके पास है? हेड ऑफिस के पास है। तो गोम से ये तो हेड ऑफिस का है, हम ब्रांचेस को यूज़ नहीं करने देंगे, वो अलग है, ये आप अलग हो, यूज़ नहीं करने देंगे हम आपको। तो ये कह रहे हैं भाई ये तो बात गलत है, बात तो एक ही है। फिर गोवर्मेंट का चलो अच्छा कर लो, आप ऐसे करो इस टैक्स क्रेडिट को 2 लाख वाले को अपनी ब्रांचेस को ट्रांसफ़र कर दो, जिसको जितना देना दे दो, और आप क्या कहलाओगे? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। नाम होना चाहिए था इनपुट सर्विस टैक्स डिस्ट्रीब्यूटर। सर्विस टैक्स क्यों? क्योंकि पहले सर्विस टैक्स में ये इंट्रोड्यूस हुआ था, तो उस समय भी इसके नाम में डिफेक्ट था, सर्विस नहीं सर्विस टैक्स, और अब इसका नाम क्या होना चाहिए था? इनपुट GST क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूटर। तो अब बोलना ISD, समझना क्या? इनपुट GST क्रेडिट, इनपुट GST का जो क्रेडिट लेगा डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है अपनी ब्रांचेज को और किसी को नहीं। तो इनके को लेकर भी अलग से रूल्स है इसके, लेकिन ये इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में साफ साफ लिखा हुआ है, इट विल बी डेल्ट विद ओनली एट द फाइनल लेवल।
फाइनल 11 था, सी ए फाइनल 11, देखो आप रेट। इसके अलावा एक इसमें आएगी 51, वो मैं अभी बताऊंगा। जब मैं कहूं पढ़ो तो जयंत जी डाउट नहीं पूछना, पढ़ना है, थोड़ा सा पेशेंस भी रखा करो, तुम इम्पेशेंट हो जाते हो। पहले पढ़ो इसको, मैं बताऊंगा इसे, देखो रीड करके थोड़ा और बताना मुझे इसमें। अब देखो एनआरटीपी आप समझते हो, ओआईडीआर मैंने आपको बता दिया, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर बता दिया कि भी टैक्स क्रेडिट किसी के पास है अपनी ब्रांचेस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, नाम होना चाहिए था इनपुट जीएसटी क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि सर्विस टैक्स में भी था, नाम वही चला रहा है। अब ये किए पर्सन, एक नाम उड़ने आ गया, पर्सन पेइंग टैक्स अंडर 51 मतलब टीडीएस, जो अभी हमने 349 पेज पे किया था ना उसके ऊपर वाला क्वेश्चन, ये भी अभी मैं पूरा करवा देता हूँ ताकि ये पार्ट भी हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब वो पेज दोबारा जाओ 349 पर, अब करते हैं हम टीडीएस, वो था टीसीएस, ये है टीडीएस। टीडीएस का एक ही सेक्शन है 51, ये दोनों सेक्शन इस बार से सिलेबस में आए हैं, लास्ट ईयर तक नहीं था, लेकिन डिस्कस हम लास्ट ईयर भी करते थे, थोड़ा कम अब थोड़ा ज़्यादा। 349 पर क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन 51 टीडीएस, टीडीएस किसका, जीएसटी का। हर किसी को टीडीएस नहीं करना, सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टीडीएस करेगा। टैक्स रिलेटेड सोर्स 1%, एसजीएसटी 1%, यानी टीडीएस का टीसीएस का दोनों का रेट सेम है, 1+1। प्रोवाइडेड टोटल एलिप्स प्राइस टोटल जीएसटी स्क्रीनिंग 2.5 लाख, जैसे इनकम टैक्स में था इस अमाउंट के ऊपर, इस अमाउंट के ऊपर, यहाँ क्या है 2.5 लाख के ऊपर, वैल्यू ऑफ प्राइस सेक्शन 15 वाली जीएसटी को छोड़ के, अगर 2.5 लाख से ज़्यादा तभी टीडीएस करना, वरना नहीं करना। टैक्स रिडक्टेड सोर्स कौन कौन टीडीएस करेगा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसी, इसके अलावा गवर्नमेंट जिसको नोटिफाई करेगी। टैक्स को कलेक्टेड शैल बी डिपॉजिटेड विद इन 10 डेज, टीसीएस भी 10 डेज, ये भी 10 डेज आफ्टर एंड ऑफ मंथ। रूल 66 मंथली स्टेटमेंट शैल बी सबमिटेड जीएसटी 7, उनका जीएसटी 8 था, इनका जीएसटी 7 है, अप टू 7th ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ। टीडीएस सर्टिफिकेट शैल बी इशूड इन जीएसटी 7A, जैसे इनकम टैक्स में टीडीएस सर्टिफिकेट था ऐसे इसमें, ठीक है। ए पर्सन ऑन हूज बिहाफ टैक्स कलेक्टेड शैल क्लेम क्रेडिट इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, जितना टीडीएस हुआ है उतना आपके अकाउंट में आ जाएगा, यानी वो ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाएगा। टैक्स इज डिपॉजिटेड नॉट पेड टू द गवर्नमेंट, इंटरेस्ट शैल बी चार्ज, जिसने टीडीएस किया है पेमेंट नहीं करेगा, इंटरेस्ट लग जाएगा, जैसे उसमें था वैसे इसमें, उसमें था ना सेक्शन 201 टीडीएस करने में लेट हुआ, डिपॉजिट करने में लेट हुआ, वो वाला। डिपार्टमेंट गवर्नमेंट गिवन कॉन्ट्रैक्ट टू कंप्लीशन सम वर्क, कंपनी हैज सबमिटेड बिल ऑफ 10 लाख प्लस जीएसटी, इन दिस केस डिपार्टमेंट शैल डिडक्ट 2% ऑफ 10 लाख 20 हज़ार, वाइल पेइंग जीएसटी टू गवर्नमेंट डिवीजन शैल डिडक्ट दिस मच। बस रीड कर लो, थोड़ा और मैं बताता हूँ आपको, एक बार रीड कर लो रफली। देखो पर्पज बताता हूँ मैं, पर्पज क्या है इसका, दिल्ली गवर्नमेंट फ्लाईओवर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है एबीसी लिमिटेड बिल्डर को, टोटल पेमेंट कितना है 1000 लाख, कॉन्ट्रैक्ट दिया है, इस पर लगेगा जीएसटी, जीएसटी मान लो 20%, तो कितना बनेगा, जितना भी बनेगा मतलब ह्यूज अमाउंट बनेगा, करेक्ट, 3 लाख 20%, 1000 लाख है, 20%. ठीक है, जितना भी बनेगा उतना ह्यूज अमाउंट बनेगा, इस अमाउंट के चक्कर में मत पड़ो ना, कंसेप्ट को देखो, मतलब अच्छा खासा बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने इनको पेमेंट दे दिया, इन्होंने जीएसटी जेब में डाल लिया, गवर्नमेंट को दिया ही नहीं, देखो कितना नुकसान है, उसे ह्यूज अमाउंट है, उस बंदे ने कहा देखा जाएगा जो होगा टैक्स दो ही मत, कितना लॉस है हमारा, तो उसे इस अमाउंट का, इसका ओरिजिनल अमाउंट का 2% काट लो, यानी जितना ये जीएसटी था जो इसने बिल टोटल सबमिट किया है उसमें से इसका 2% काट के पेमेंट कर दो, और इसके बारे में जीएसटी डिपार्टमेंट को पूरी कहानी बता दो, इसकी रिपोर्टिंग कर दो,
जो स्टेटमेंट जाएगी ना मंत्री से रिपोर्टिंग चली जाएगी, वहाँ से फिर हम इसको अपने आप देख लेंगे, हमें पता लग गया इसका कितना टैक्स था कितना घटा है। अब ये खुद भी डर जाएगा कि मेरे पर्टिकुलर चले गए, जैसे इनकम टैक्स में कहा था TDS होने पता लग जाता है, बस इतनी सी बात है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही TDS क्यों करेगा, बाकी क्यों नहीं? क्योंकि बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट देती है, 500 लाख का, 200 लाख का, 100 करोड़ का, 200 करोड़ का, 500 करोड़, सारे बड़े बड़े काम गवर्नमेंट को ही करवाने हैं। तो उसे जो हम दे रहे हैं गवर्नमेंट की पॉकेट से GST निकाल के लेगा और दिया है नहीं, तो हमारी पॉकेट से GST उल्टा लिया जा रहा है हमसे, तो इसका TDS करना है। अब रीड करके देख लो फिर डाउट्स, एक बार और अच्छे से रीड कर लो। तो क्या TDS करने वाले को एनुअल रिटर्न भरनी है? वहाँ ये पॉइंट था, एनुअल रिटर्न भरनी है? नो, क्योंकि ये सप्लायर का है, ये तो रिसिपिएंट है, ये तो सप्लाई ले रहा है, इसकी एनुअल रिटर्न किस बात की? ये तो सप्लाई दे ही नहीं रहा, सप्लाई लेने वाला है, इसका तो ज़बरदस्ती रजिस्ट्रेशन करवा दिया TDS करने के लिए। तो ये इनवर्ड सप्लाई है, इनवर्ड सप्लाई वाले का रजिस्ट्रेशन किस बात का? आउटवर्ड वाले का होता है, पर उससे नहीं, टैक्स तुमने भी डिडक्ट किया है ना, वो टैक्स की तरह है, इसलिए लेना है। तो इनको एनुअल रिटर्न कुछ नहीं, बस ये हर महीने बता दें किस किस का TDS किया, कितना कितना किया है, अगले महीने की 10 तारीख तक डिपॉजिट करवा दें। तो 51 भी हो गया हमारा सेक्शन, 52 भी हो गया, पेज 349 पर जब हम रेगुलर करते आएंगे तब ये पेज मैं नहीं करवाऊंगा, कोई भी स्टूडेंट उसमें ये ना कहे कि ये नहीं करवाया। अब डाउट पूछ लीजिए दोनों में। हाँ जी, फ्री डाउनलोड पे टैक्स कहाँ लगेगा भाई? फ्री में GST कहाँ लगेगा? देखो OIDR, अगर हम डाउनलोड फ्री में कर रहे हैं उसमें वैल्यू है ही नहीं तो क्या GST लगेगा? नहीं। जयंत ये पूछ रहा, मान लो फ्री हो, जैसे फेसबुक है, इस पे GST किस बात का? हम यूज़ कर रहे हैं यूट्यूब, इस पे GST किस बात का? इंस्टाग्राम GST किस बात का? ये डाउनलोड सब फ्री है, जिसको मर्जी चाहिए ये ऐप डाउनलोड कर लो। फेसबुक डाउनलोड करने का पेमेंट थोड़ा लगता है, यूट्यूब पर थोड़ा लगता है, वो तो पेड, मान लो YouTube पे ऐड देनी है तब लेंगे पेमेंट, वो पेड की बात करें हम, बहुत मतलब सब चीज़ थोड़ा फ्री में मिलती है। बस जैसे हमने फ्री नोट डाउनलोड किया है, इसकी $1100 की पेमेंट थी, जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं इसमें स्क्रीन रिकॉर्ड होती है ऑटोमेटिकली, वो एक बार वन टाइम परचेज किया था 15 साल पहले, अब तक काम आ रहा है, वो ओरिजिनल वर्जन है हमारे पास, तो उसकी बात करें उस पर GST लगेगा। किसमें? इसमें बात कर रहे हो? इसमें ABC की तरह उस एग्जाम्पल जो बुक में एग्जाम्पल दे रहे हो? हाँ, भाई टैक्स क्रेडिट तो इनपुट सर्विसेज का मिलता है ना, तो जो बायर है उसको मिलेगा टैक्स क्रेडिट, प्रोवाइडेड उसका आउटपुट हो, अगर उसका आउटपुट ही नहीं है तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्या करेगा? रिफंड होता नहीं है, बात खत्म। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का अगर आउटपुट सप्लाई नहीं है, वो टेस्टेड ले लेगा तो करेगा क्या? यूजलेस है, कैरी फोर्ड करते रहो, पेमेंट तो मिलेगा नहीं। जो भी इनवर्ट सप्लाई है रजिस्टर्ड ले लो आप, टेस्टेड तो मिल जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यूज़ कहाँ करेगा उसे? यूज़ नहीं करेगा तो क्या करेगा टेस्टेड लेके? रिफंड तो मिलता नहीं। इनपुट का, इनवर्ट का, किसी का भी ले लो टेस्टेड। देखिए दिल्ली गवर्नमेंट है, ठीक है, फ्लाईओवर बनवाया है, पेमेंट किया है GST का, तो ये क्या बन गई? इनवर्ट सप्लाई है। इसका ITC लेना चाहे ले लें, रजिस्टर्ड है, लेकिन इसका करेंगे क्या? इनकी आउटपुट सप्लाई तो है ही नहीं, गवर्नमेंट कुछ सामान थोड़ा बेचती है, तो वो ITC बेकार हो जाएगा ले लें तो, यानी किसी काम का नहीं, यूज़ नहीं होगा, रिफंड मिलता नहीं है। ठीक है, और देख लो डाउट है। बेसिकली ITC का बेनिफिट किसको होता है? जो सप्लायर हो, खरीदे भी और बेचे भी, उसको फ़ायदा है। जो खाली खरीद रहा है उसको किसी बात का फायदा? उसका क्या करेंगे? कोई काम नहीं आएगा। सिर्फ एक्सपोर्टर में रिफंड मिलता है, या इन्वर्टेड रेट स्ट्रक्चर एक मैंने बताया होगा आपको, इन्वर्टेड दो में मिलता है रिफंड, बताता हूँ मैं आपको।
फर्स्ट क्वेश्चन, क्या ITC का रिफंड मिलता है? इन जनरल नो. क्या स्पेशल किसी में मिलता है? येस. कहाँ दिए हुए हैं? 54 में. क्या सिलेबस में है? नो. एक तो मिलता है जीरो रेटेड का, होगी थी ना बात होगी. एक मिलता है इन्वर्टेड रेट स्ट्रक्चर. इन्वर्टेड मीन्स जो आप सामान खरीद रहे हो रॉ मटेरियल उसका GST रेट तो ज़्यादा है, और जो फिनिश प्रोडक्ट बना के बेच रहे हो उसका GST रेट कम है, जबकि ऐसा होता नहीं है. अगर ऐसा है तो क्या होगा? टेस्ट रेट ज़्यादा होता जाएगा, आउटपुट ऐसा कम होता जाएगा, और ये इकट्ठा होता जाएगा. रिफंड गवर्नमेंट देगी नहीं, तो उसे चलो कोई बात नहीं. ऐसी कोई केस है, वैसे तो इन जनरल होगा नहीं, है तो हमें बताओ, हम आपको रिफंड अलाउ कर देंगे. इसको बोलते हैं इन्वर्टेड रेट स्ट्रक्चर. इन्वर्टेड मीन्स कि जो खरीद रहे हैं उसका रेट ज़्यादा है और जो बेच रहे हैं उसका रेट कम है. बहुत रेयर है, ये कंस्ट्रक्शन के अंदर है कुछ केसेस के अंदर, तो वहाँ पर रिफंड मिल जाता है. दो केस मिलता है, एक जीरो रेटेड में, एक इन्वर्टेड रेट स्ट्रक्चर में. इसके अलावा रिफंड नहीं मिलेगा, ठीक है. वैसे सेक्शन 54 में सिलेबस का पार्ट नहीं है, वैसे कहीं कहीं रेफरेंसेस का आएगा, और भी एक आ जाएगा इन्वर्टेड रेट. और देखो डाउट्स. अब वापिस आइए रिटर्न पर. बोलो लाउडली, लाउडली बोलो. पेज नंबर 88. हाँ जी प्लीज निकालिए पेज नंबर 88. GSTR 4 है. हाँ हाँ जी, रिवर्स चार्ज का मैंने जनरल मीनिंग बताया था आपको या नहीं बताया था? रिवर्स चार्ज का जनरल मीनिंग बताया कि नहीं बताया? कितने स्टूडेंट को ध्यान आ रहा बताया था? दो स्टूडेंट को. देखो जो सप्लायर है वो टैक्स लेता है रिसिपिएंट से और लेकर के गवर्नमेंट को देता है. तो मैं यहाँ सप्लायर हूँ कि रिसिपिएंट हूँ? और आप रिसिपिएंट, आपसे GST लेके हमने गवर्नमेंट को दिया, इसीलिए इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है, क्योंकि आप डायरेक्टली नहीं दे सकते. गवर्नमेंट ने मुझे कहा तुम बीच में से हट जाओ, हम अपने आप ले लेंगे. इट इज़ कॉल्ड रिवर्स चार्ज. नॉर्मल का उल्टा कर दिया. जब मैं आपसे लूँगा चाहे इसको नॉर्मल चार्ज कह लो चाहे फॉरवर्ड चार्ज कह लो, ठीक है. नॉर्मल चार्ज कहो, फॉरवर्ड चार्ज कहो, डायरेक्ट चार्ज कहो, एक ही बात है, ठीक है. और ये मैं बता चुका हूँ और मैं दिखा देता हूँ, लिखा हुआ टाइम ऑफ सप्लाई में आया था. तो मैंने कहा था इनका टाइम ऑफ सप्लाई अलग होता है, रिवर्स चार्ज का अलग होता है. जब गवर्नमेंट डायरेक्ट रिसिपिएंट से ले तो उसे बोलते हैं रिवर्स चार्ज. अब याद आया? इसका मतलब आप लोग स्टडी घर पे नहीं कर रहे हो. लिखा हुआ है, लिखा हुआ दिखा दूँ. सेक्शन 13 के क्वेश्चन में पहली लाइन में लिख रखा है TOS इन केस ऑफ डायरेक्ट चार्ज, नॉर्मल चार्ज, फॉरवर्ड चार्ज शैल बी. तो मैंने कहा एक और होता है रिवर्स चार्ज, उसका TOS बाद में आएगा, उसमें उल्टा कर देते हैं. अब इसका एग्जांपल और देखो. एग्जांपल देखिए, एक आर्किटेक्ट है अमेरिका में. ये एग्जांपल मैंने दिया था पहले? नहीं दिया, दिया था. एक आर्किटेक्ट है अमेरिका में और मुझे एक बिल्डिंग बनवानी है बुर्ज खलीफा, खलीफा से भी बड़ी बिल्डिंग बनवानी है. इसका नक्शा मैंने बनवाया USA के आर्किटेक्ट से. उन्होंने कहा लगेंगे 5 करोड़. इसका GST कौन लेगा, कौन देगा, कैसे होगा? गवर्नमेंट इस सप्लायर को कहे मुझसे चार्ज कर लेना, वो कहेगा इंडियन गवर्नमेंट को मैं तो नहीं जानता, मैं तो अमेरिका में हूँ. वो नहीं चार्ज करेगा, देगा ही नहीं. तो इसलिए गवर्नमेंट से इसमें रिवर्स चार्ज लगा लो, यानी मुझसे गवर्नमेंट से इसके डायरेक्टली तुम हमें दे देना, क्योंकि वो बंदा कलेक्ट तुमसे नहीं करके हमें देगा, और कलेक्ट कर लेगा तो अपने पास रख लेगा, हम क्या कर लेंगे उसका, तो रिवर्स चार्ज लग जाएगा. तो जहाँ कहीं ऐसी सिचुएशन रिवर्स चार्ज लगता है, करीब करीब 15-16 केस है रिवर्स चार्ज के, पूरा चैप्टर है. एक बार मैं आपको दिखा दूँ कहाँ है, नहीं तो कोई बाद में ये ना कह दे नहीं बताया, ठीक है. एक नज़र लगाओ ताकि दिल में वो बैठ जाए कि ऐसा भी कोई चैप्टर है, कभी ना कभी आएगा तो हम करेंगे इसको. निकालिए पेज नंबर 284 पे आ जाओ. 284 रिवर्स चार्ज, 284 रिवर्स चार्ज, सेक्शन 9(3) IGST एक्ट, 5(3) IGST एक्ट, CGST. इसमें रिवर्स चार्ज में कह रही हम सिर्फ दो लाइन रीड करेंगे. जनरली सप्लायर गुड सर्विसेज इज लायबल टू पे GST, हाउ एवर अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म
लाइफ टू बी जी एस टी इज कास्ट ऑन द रिसिपिएंट गुड्स एंड सर्विसेज, बस इतना रीड कर लीजिएगा, चैप्टर को देख लीजिएगा, फिर आप को ये ध्यान रहेगा हाँ ऐसा भी कुछ है। और टोटल केस कितने हैं इसके, टोटल केस इसके हैं 20 केस है, और जो मैंने अभी एग्जांपल दिया ना वो 20वें केस का दिया है। 20वां केस रीड करवाता हूँ, मैंने एग्जांपल 20वें केस का दिया है, 288 पेज पर आइए, 20वां केस 288 पेज पर, 20 सर्विसेज सप्लाई बाय पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, अमेरिका मींस नॉन टैक्सेबल टेरिटरी बाय ट्रांसपोर्ट गुड्स, नहीं ये वाला नहीं दिया एग्जांपल मैंने, मैंने 19वां एग्जांपल दिया, 19वां इसके ऊपर देखो 19वां सर्विस नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टेरिटरी रिवर्स चार्ज शैल बी एप्लीकेबल रिस्पेक्ट ऑफ एनी टैक्सेबल सर्विसेज प्रोवाइडेड एग्री टू बाय पर्सन लोकेटेड नॉन टैक्सेबल टेरिटरी रिसीव्ड बाय पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, ये वाला पार्ट है 19वां। तो अब आपको ये ध्यान रहेगा रिवर्स चार्ज क्या होता है, अब वापस आइए रिटर्न पर, रिटर्न के चैप्टर पे वापस आ जाओ, पेज नंबर 89, क्वेश्चन नंबर चल रहा था 12, अब आई थिंक क्वेश्चन 12 मेरा कवर हो गया है पूरा, आप रीड करके देख लो, जिसको जो डाउट पूछ सकते हो, क्वेश्चन 12 मेरे हिसाब से कवर हो गया पेज नंबर 89 पर। पेज 89 क्वेश्चन नंबर 12 चेक करिए, जो डाउट वाली बात है बोलिए, लेकिन पहले पढ़ने के बाद पूछना डाउट, बिना पढ़े नहीं कोई पूछेगा। इन जनरल एनुअल है जीएसटीआर 9 सेक्शन 52 वाले की है 9B, 9C होती है ऑडिट वाले की, ऑडिट वाले की रह देती है 9C, उसके अंदर वो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी सबमिट करता है, तो 9A कहाँ गई, हटा ली, नहीं थी किसकी, हटा तो ली, ये भी तो बताओ किसकी थी ये। देखो जो कंपोजिशन डीलर है ना, पहले इसकी क्वार्टरली होती थी GSTR 4, अब तो ईयरली है ना, पहले इसकी ये क्वार्टरली होती थी और एनुअल होती थी 9A। कंपोजिशन डीलर की स्टार्टिंग में क्वार्टरली CMP 08 नहीं थी, GSTR 4 थी और एनुअल 9A थी, फिर गवर्नमेंट ने 9A को ख़त्म कर दिया, इस क्वार्टरली को कर दिया एनुअल, और क्वार्टरली पे एक सिंपल सी ले आए CMP 08। ठीक है, जस्ट फॉर योर नॉलेज कि कंपोजिशन वाले पहले क्वार्टरली कौन सी भरते थे, GSTR 4 और एनुअल GSTR 9A, ये फिर बाद में कंपोजिशन वालों के लिए ख़त्म कर दी, डिफ़िकल्ट है ये, तो उन्होंने कहा चलो आप बस ये क्वार्टरली वाली को एनुअल कर देते हैं, ये एनुअल दे देना, और क्वार्टरली तो एक पेज है सिंपल सा, 2-4 कॉलम है CMP 08 वो भर देना। अब इसको रीड कर लो, अब डाउट पूछ लो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13।